लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। सब ठीक है ना? सब एक लाइन में हो जाइए। बड़े साहब आते हैं, सबको पगार बांट देंगे। सुनिए, बड़े मालिक घर पे नहीं है क्या? क्यों जी, रात में श्री कृष्ण अवतार पिक्चर देखी, सुबह रामलीला देखी और अब कुछ और देखने वाले हैं। बताओ तुम्हारा क्या प्रश्न है, क्या कहना चाहते हो? संक्रांति का त्योहार है। इस त्योहार के दिन सुबह बड़े साहब कहाँ पर रहते हैं? पुजारी जी, हैं? कब आएंगे? कितने समय तक हम राह देखेंगे? कितने समय तक भी देखना चाहिए, आने वाला कौन है? बड़े साहब है, भगवान की कृपा से बड़े साहब हैं। क्यों पुजारी जी, अभी तक पूजा शुरू नहीं की? आपके लिए साहब, भगवान की राह भक्तों को देखनी चाहिए, भगवान को भक्तों की राह नहीं देखनी चाहिए। मुझे ये परंपरा पसंद नहीं है। बाप रे, शिव शिव, आपके बारे में नहीं मालूम है, मैं राह देख रहा हूँ आपके लिए नहीं, वो बड़े साहब के लिए। इस मंदिर को बनाने वाले कृष्ण जी के दादा थे, ये बड़े साहब कौन लगते हैं? इस साल के धर्मकर्ता वही तो हैं। धर्मकर्ता भगवान की पूजा करने के लिए होते हैं, बताने के लिए नहीं। इतने लोगों को खड़ा रखकर उनके लिए राह देखने से मनुष्य को ही नहीं भगवान को भी कष्ट पहुँचेगा। पहले पूजा कीजिए। ठीक है। ओम हरि। क्यों पंडित, मैंने कहा था ना संक्रांति के दिन जब तक मैं ना आऊं पूजा मत करना, फिर भी तुम नहीं माने और पूजा कर रहे हो। तुम्हें ज्यादा ही चर्बी चढ़ गई है, मेरी बात तुम्हारे समझ में नहीं आती है क्या? कोटेश्वरराव, अरे बड़े साहब पंडित जी को डांटेंगे, यही तो मेरा उद्देश्य है डांटने का। आपको रोकना है तो रोको, अब पंडित की तो खैर नहीं। क्या करेंगे तुम्हारे बड़े साहब? अरे चुप 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 चुप, आपको क्या करेगा, आप दोनों तो एक ही हो, ऊपर से इक्वल स्टेटस। बेचारा पंडित है ना, क्या करेंगे जी वो मुझे? एकदम सिंपल है, जब बड़े साहब आएंगे पता चलेगा कि तुमने पूजा करवाई है तो मंदिर से निकाल देंगे। मंदिर से निकाल दिए जाने के बाद मंत्र पढ़ने वाला पंडित इधर उधर पागल होकर गांव में फिरेगा, बच्चे तुम्हें पत्थर मारेंगे और वही पत्थर सही जगह लगने पर तुम मर जाओगे। हाँ? और तुम्हारी पत्नी सफेद साड़ी पहनकर गाँव में घूमती रहेगी, वो नहीं देख सकता, इसीलिए मैं विधवा विवाह करने को ट्राई करूंगा तो गाँव में मुझे लोग गलत कहेंगे। अरे जाओ, मुझे कोई भी गलत कहे इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। और ये सब देखते देखते क्या मैं जवान विधवा को छोड़ दूंगा? लेकिन साहब, मैं तो अभी जिंदा हूँ। चुप बैठ, जिंदगी और मौत किसी के हाथ में नहीं है। हाँ, होने दे होने दे, आखिरी पूजा है। ओम सहस्त्र पर तुझे ही बोल रहा हूँ मैं, मंदिर में लोग दान दक्षिणा देने आते हैं, वार्निंग देने नहीं। तेरा दिमाग खराब हुआ है क्या? अरे साहब, इसके आगे अगर तू कुछ भी बोला तो मैं भगवान के नारियल की जगह तेरा सर तोड़ दूंगा। सॉरी भाई साहब, यहाँ पर कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, सब एक होते हैं। पुजारी जी, सबको लाइन से छोड़िए आप। ठीक है पंडित जी, मेरे साथ साथ छोटे भाई के नाम पर भी पूजा करवाइए। ठीक है। ओम शांति, ओम शांति, शांति, ओम शांति। बड़े साहब घर पे तो बहुत बोल रहे थे, यहाँ क्यों चुप हो गए? मुंह बंद करके आरती लो। नमस्कार, 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 नमस्कार। अरे रे, आप लोग मेरा रास्ता देख रहे थे? बुरी बात है मामा जी, आपको इन्हें दान कर देना चाहिए था। जी हाँ, अगर मैं त्योहार के दिन पुराने कपड़े पहन करके दान करूंगा तो ये दान स्वीकार नहीं होगा। क्या है? कुछ नहीं बेटा, हर महीने पगार मैं देता हूँ। आज नया साल भी है, त्योहार भी है, अगर आप अपने हाथों से देखो तो नहीं अच्छा लगेगा। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। हाँ ये लो। चलो भाई तुम भी लो। नमस्ते। हाँ चलो लो। धन्यवाद बाबू जी। धन्यवाद। हेलो साहब, सुनिए, छोटे मालिक का फोन है। हेलो, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच, सेम टू यू ब्रदर। हाँ विजय,
इस साल संक्रांति बहुत बढ़िया से मना रहे हैं, स्टेज प्रोग्राम भी रखा है, तुम्हें जरूर आना होगा। हाँ ठीक है, लेकिन समर वेकेशन में एक महीने के लिए आना होगा, नहीं तो मुझे गुस्सा आ जाएगा। हाँ अच्छी तरह से पढ़ाई करो, ये लो मामा जी से बात करो। अरे विजय, ओके ओके ओके, अच्छा है ना, मालिक ने एक महीने की पगार बढ़ा कर दी है, वो महान इंसान है। क्या रे भाई, अभी आए हो? हाँ भैया। क्या साहब, कैसा चल रहा है तुम्हारा स्मगलिंग? अरे वही व्यापार। क्यों रे, अभी तक यहीं खड़े हो? मालिक हमारे बारे में कुछ सोचोगे तो भला होगा। मामूली सा मसाला वाला। क्या रे, तुम सब लोग इतने सालों से साहब के पास काम कर रहे हो, एक कप कॉफी कभी मिली क्या? अरे सुनो, वही तो, शादी के बाद भी अपनी पत्नी को साड़ी देना तो दूर की बात है, कभी एक पेटीकोट भी दिया है क्या? मुंह बंद करो। हाँ बंद। ए, तुम लोग जाओ यहाँ से। ए, जाओ 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 यहाँ से। कैसे हो बेटा? अच्छा हूँ भाभी। लो कॉफी पियो। माँ। हाँ? मैं मंदिर जाके आती हूँ। ठीक है बेटी। मंदिर में तो पत्थर है, खेतों में जाकर उस कृष्णा को पटाओ, वो तुम्हारे गले में मंगलसूत्र पहनाएगा और तुम्हें एक अच्छा पति मिलेगा और मुझे एक अच्छा दामाद। ये क्या, एक घंटे से इंतजार कर रहे हो? अरे किस तरह से बच बचा कर आए हो ये मैं ही जानता हूँ, समझी गया? इतना क्यों डर रहे हो, हम कुछ गलत कर रहे हैं क्या? प्यार ही तो कर रहे हैं ना। ठीक है, बस वही हुआ, तुम्हारे जैसे बड़े लोग करें तो वो गलत नहीं है, हमारे जैसे छोटे लोग करें तो वो गलत है। तुम सचमुच प्यार करते भी हो या नहीं? कैसी बात करती हो, मेरी झोपड़ी बजा कर देखो, सारी चीजों पर तुम्हारा ही नाम लिखा है। सच में? कसम से। फिर इतना डर क्यों? मैं अपने लिए नहीं, तुम्हारे लिए डरता हूँ। वो किस लिए? सही बात है, ये बात तुम्हारे पिताजी को पता चला तो मुझे मार मार करके तुम्हारी शादी किसी और के साथ करवा देंगे। बाप रे, मैं ऐसा नहीं चाहती। हम दोनों प्यार करते हैं, अगर हम दोनों को अलग किया तो हम अपनी जान दे देंगे। प्यार की मंजिल शादी होती है, मौत नहीं। प्यार करने वालों पर कोई भी उंगली उठा सकता है, लेकिन पति पत्नी को तो भगवान भी आशीर्वाद देता है। चार लोग चार तरह की बातें करना शुरू करें इससे पहले फैसला कर लो। अरे आप ऐसे क्यों घूम रहे हैं? अरे यहाँ संक्रांति है, आज रात को बहुत बड़ा प्रोग्राम होने वाला है और वो लोग बस से जल्दी पहुँचने वाले हैं, यहाँ उनको लेने के लिए मैं किसे भेजूं? कुछ समझ में नहीं आ रहा। सूरी को बोलो ना। अरे सूरी तो हो तुम? अरे अरे बाप रे, फिर भूल गया। अरे ये तो ठीक है यार, मगर स्टेज से काम के लिए किसको भेजूं मैं? अरे दीदी को भेजो ना। अबे तू क्या करेगा? अरे बाप रे, मैं तो फिर तुम लोग सबको भूल जाते हो, क्या ऐसे ही काम करोगे? तुम लोग इतने बुला करो तो मेरा क्या होगा? अगर ये बात चंद्रा जी को पता चले तो वो हम लोगों को चप्पल से मारेंगे। अरे बाप रे, ठीक है ठीक है, यहाँ से बंद करो, जा करके संगीत पार्टी को जल्दी से लेके आओ, जाओ। ठीक है जी। क्या रे नुकालो, अपने गांव में नए हेडमास्टर कब आ रहे हैं? 10 बजे। तो लेट क्यों है, समय हो गया है, जाकर रिसीव करके गोडाउन में लेकर आओ। इसके लिए? सम्मान के लिए। नहीं मालूम तो क्यों बोल रहा है, हेडमास्टर का मैं क्या करूंगा? उसे डराकर अपने पास रख लेंगे और क्या। हाँ वही। अरे मालिक, स्कूल में आने वाली सारी सामग्री आप ही खा जाएंगे क्या? हाँ वही तो। लेडी टीचर आई तो मुंह बंद करो, दांत तोड़ दूंगा, लेट हो रहा है, चलो यहाँ से। पिताजी पिताजी, अभी तक सो रहे हैं, गांव आ गया। अरे इतना जोर की चिल्लाकर मेरे कान के पर्दे क्यों फाड़ रहा, पहले तू तो उतर चल। क्यों? क्यों माँ, तुम नहीं उतरोगे क्या, पहुँच कर खट लिखना। अरे अरे तुम क्या बक रहे हो, अक्कल नहीं है, तुम तो पुरुष हो, धोती उठाकर पट से उतर जाओगे। हम स्त्रियाँ हैं, इधर उधर देख के उतरना पड़ता है, नहीं तो साड़ी फट जाएगी। अरे वाह, यहाँ का रोड तो बहुत मुलायम है। अपने पैर के ऊपर खड़ी हो रोड पर नहीं। बाप रे, कितना वजन है आपका। बेटी रमा, इतना जोर के मत हंसो, ये गांव है, झाड़ पर बांध देंगे। स्कूल के हेडमास्टर होते हुए भी इतना डर पिताजी? हेडमास्टर हूँ इसलिए नहीं डर रहा हूँ, एक लड़की का बाप हूँ इसलिए डर रहा हूँ। पिताजी पिताजी, सुब्रमण्यम का सामान भूल गए। मारूंगा तुझे, वो सुब्रमण्यम का सामान नहीं है, वो हारमोनियम है, कितनी बार बताऊँ तुझे। हाँ उसे उतारो, संभल भाई साहब, वो हारमोनियम जरा दीजिएगा। थैंक यू जी। अरे हमारे गांव में संक्रांति के प्रोग्राम के लिए यही संगीत पार्टी है क्या? हारमोनियम देखकर भी तुम इतना सोचते हो, क्या बात?
करते चल। नमस्कार जी। मैंने बोला था ना इसी को विलेज कहते हैं। नमस्कार मैं ही मास्टर हूँ। वो तो आपको देखने से पता लगता है। हमारे स्वागत के लिए आए हो क्या? ही पड़ेगा, आपकी खातिरदारी में थोड़ी भी कमी हुई तो हमारे कृष्णा जी हमारी हड्डी तोड़ देंगे, इंद्रा साहब चमड़ी निकाल लेंगे। लेकिन वो है कौन? इस गांव के धर्म करता है वो। प्रोग्राम? हाँ बेटी, इस गांव में आने का मतलब है कोई ना कोई प्रोग्राम होगा। हाँ। अरे तू क्या फालतू बकता है। माँ ये गांव है साहब आपका, ये हमारा काम नहीं है, छोटा सेटअप है। सेटअप? हाँ वो छोटा सेटअप बोले तो छोटा परिवार है, यही कहने का मतलब है। ये क्या है रे? माँ ये गांव है। चलो यार चलते हैं। चलो जल्दी उतरो, जल्दी उतरो। मास्टर जी प्रोग्राम के लिए तबला हारमोनियम कहाँ मिलेगा? उद्दू कहीं का, इतने बड़े गांव में ये सब नहीं मिलेगा क्या? देखो वही आ रहा है। अरे 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 अरे, आप नए मास्टर? देखने से नहीं पता चल रहा क्या? नमस्कार मास्टर। नमस्कार आपको भी। प्रोग्राम की तैयारी कहाँ पे है? नहीं बताएंगे, सीधे ले चल के दिखाएंगे। मेरे स्वागत की तैयारी अच्छी तरह से की है ना? अरे मास्टर स्वागत की क्या बात करते हो, ऐसा स्वागत करूंगा कि सब देखते रह जाओगे। ओके। क्यों रे, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, वो लोग हमें इस तरह देख रहे थे जैसे हम कोई नाटक वाले हो, पागल कहीं का। हाँ ये गांव है, गांव में आज भी स्कूल के हेडमास्टर को लोग भगवान की तरह मानते हैं। नारियल तोड़ने पर भी मारेंगे क्या पिताजी? मारेंगे, दांत तोड़ देंगे। देखो ये गांव है, यहाँ पर किसी को पता चला कि तुम हेडमास्टर की खिंचाई करते हो तो तुम्हें मार मार के तुम्हारी चमड़ी निकाल के बेच देंगे, इतने से होके मजाक करते हो। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार जी, ये कृष्णा बाबू। नमस्कार। और मैं इसका मामा हूँ, ये यहाँ के जमींदार है, इस गांव में जो भी कार्यक्रम होता है वो यही करते हैं। कला के बारे में आपके विचार बहुत अच्छे हैं। घुमा फिरा कर बात क्यों कर रहे हैं, जो भी चाहिए बेचक ले लीजिए। अरे आप ऐसी क्या बात कर रहे हैं, कुछ भी जरूरत होगी तो मैं आप ही को याद करूंगा, बस ये स्कूल का स्टेज बहुत छोटा। हाँ, है। वो स्कूल का स्टेज बहुत छोटा है, मुझे पता है, वो तुम फिक्र मत करो, इसलिए राम मंदिर के स्टेज पे जाकर के प्रोग्राम करो, वहाँ दो माइक है और वो स्टेज भी बड़ा है। माइक और स्टेज की जरूरत है क्या? अरे उनके बिना प्रोग्राम का मतलब ही क्या है, रिहर्सल करनी है तो ऊपर हॉल खाली पड़ा है। सालों से हर रोज यही तो काम कर रहा हूँ, रिहर्सल की क्या जरूरत है? शाबाश, लगता है इस काम में माहिर हो, थोड़ी देर आराम कर लो क्योंकि शाम को गला फाड़ना पड़ेगा। हाँ वहाँ पर तो गला ही मुख्य है। नमस्कार। 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 मामा जी ये कोई छोटा मोटा प्रोग्राम नहीं है, बहुत। सॉरी। I'm sorry. मैंने आपको कहीं देखा है। कहाँ पर? पता नहीं। कब? कब ये तो मुझे याद नहीं आ रहा है। ये लड़की मेरी बेटी रमा है। ये आप लोगों के साथ है? हाँ मेरे साथ ही है। क्या ये भी डांस करेगी? हाँ भरतनाट्यम सिखाया है, गाना भी अच्छी तरह गाती है। क्या बात है, रात के प्रोग्राम में मजा आ जाएगा। ऑल द बेस्ट। चलता हूँ मैं। प्रोग्राम? ये प्रोग्राम क्या है पिताजी? गाँव है ना बेटी। अरे ये क्या हो रहा है, वो लोग हमारे बारे में कुछ भी कहते जा रहे हैं, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो नहीं माँ, गांव में मैं नया हेडमास्टर आया हूँ ना, तो शाम को मुझे सम्मानित करने के लिए ये प्रोग्राम रख रहे हैं, उसी बारे में तैयारी और डिस्कशन करने आए थे। ऐसा तुमने क्या किया जो सम्मान हो रहा है? वही तो, बेटा कितना भी बड़ा हो जाए लेकिन माँ को बहुत छोटा ही लगता है, शाम को देख लेना मैंने क्या किया है। सुनते नहीं हो, अब सुनो, तुम कैसे भी मास्टर हो, स्टूडेंट को तो बोलोगे ही ना, मुझे बोलोगे तो मारूंगा। रामचंद्र प्रभु, मैं स्कूल मास्टर नहीं हूँ, संगीत मास्टर हूँ। फिर से वही बात कर रहे हो, मेरी बात समझ में नहीं आती क्या? अरे कोटेश्वर राव, तुम्हें तेल और दूध का पाउडर नहीं दूंगा, जो करना है कर लो, बोलो। ओके, लेकिन मैं कोई मास्टर वास्टर नहीं हूँ, अगर बोलोगे तो मार खाओगे। तो ठीक है, तुम चाहो तो मार ही लो, मैं संगीतकार, वो मृदंग, ये हारमोनियम, ये सिंगर, यही सच्चा है। अबे चुप, ये वही रोना रो रहा है, मारूंगा, मेरे मुंह से यही निकल रहा है। झूठ बोल रहा, झूठ बोल रहा, हाँ मुंह के सारे दांत तोड़ दूंगा, समझा कि नहीं? कह दो ना कि तुम मास्टर ही हो। मैं मास्टर नहीं होकर कैसे बोल दूं मनोरमा? मनोरमा जो कह रही है वो कह दीजिए ना मास्टर जी। अरे मैं तुम्हें मार डालूंगा। पैर पड़ता हूँ मार जाइए। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, इस तरह चिल्लाने से कोई फायदा नहीं होगा। अब जो कह रहा हूँ सुन,
सुबह तक का तुझे मौका दे रहा हूँ, पहले मास्टर बन जा, बाद में तेरे एग्रीमेंट के लिए सोचूंगा, समझा? नहीं तो तू एक ही गान सोचेगा, हरि ओम हरि। थोड़े कीटाणु ज्यादा है लेकिन तैयारी अच्छी की है, बहुत भारी प्लानिंग की है इन लोगों ने। अरे सुंदरम, हाँ माँ, ये सब क्या है? कीटाणु? अरे वो नहीं रे, ये सब गड़बड़ क्या हो रही है, पूछ रही हूँ। मेरे सम्मान के लिए? मुझे तो यहाँ पे कुछ गड़बड़ लग रही है। गड़बड़ कुछ नहीं है बेटी, मेरा सम्मान कर रहे हैं। मुझे भी गड़बड़ लग रही है। अरे माँ, तुम्हें तो हमेशा गड़बड़ ही लगती है। सब रेडी है ना? नमस्कार नमस्कार, एक मिनट। हेलो 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 हेलो, माइक टेस्टिंग, माइक टेस्टिंग। हाँ हाँ, सुनाई दे रहा, बोलो बोलो। ओके ओके, देखने वालों को सभी को मेरा नमस्कार। अभी कुछ ही देर में यहाँ नाटक शुरू होने वाला है, आप लोगों से विनती है कि आप लोग शांति बनाए रखें। हम लोग ये प्रोग्राम अच्छे से अच्छा करना चाहते हैं, इसमें आप लोगों का सहयोग जरूरी है, हम आपका अभिनंदन करते हैं, नमस्कार। चलिए चलिए, पर्दा खुलने का समय आ गया है। मुझे भाषण, आपको ड्रामा करना है। ड्रामा कब? अभी। कौन करेगा? समय हो रहा है, पर्दा हटाऊं क्या? ए पर्दा हटाओ। रुकिए, आपको कुछ गलतफहमी हो रही है, ये मेरे पिताजी स्कूल के हेडमास्टर हैं। तू नाटक वाले लोग कहाँ चले गए? मैं नहीं मालूम। तुम नाटक वाले नहीं हो, फिर कौन हो तुम लोग, यहाँ क्यों आए हो? अरे अरे, तुम क्या कह रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ए, बीच में तुम मत बोलो, देखो पत्थर आना शुरू हो गए, जल्दी नाटक शुरू करो नहीं तो बहुत पत्थर पड़ेगा। अरे ये सब क्या हो रहा है? यही गाँव है। अरे बातें करना, पहले नाटक शुरू करो। सॉरी सर, मैंने कॉलेज के नाटक में एक बार भी हिस्सा नहीं लिया, प्लीज हमें बचा लीजिए। नो, मेरी इज्जत आपके हाथ में है, नायडू को मना करके मैंने अपने हाथों में ये कार्यक्रम लिया, मेरी इज्जत बचाने के लिए आपको ड्रामा करना ही पड़ेगा। नमस्कार नमस्कार, आप लोग शायद मात्रा में। अरे सारे जहाँ से अच्छा शुरू करने को ने। अरे ये पत्थर क्यों फेंक रहे हैं? सब तेरी वजह से हो रहा है, तू तो हमें यहाँ पे पागल रहेगा, पागल किंतु अब तुम्हारी ही पहचान का। अरे हालत खराब होने से पहले कुछ बोल। अरे माँ, मुझे तुम्हारे जिताए जाने के अलावा कुछ नहीं आता। अरे भाई का जवाई जवाई, बहुत अच्छे। फाइव ईयर से पीछे पड़ा हूँ, टू ईयर से प्यार कर रहा हूँ, एक साल में शादी होने वाली है, होने वाले हस्बैंड को प्यार तो कर नहीं सकते, बस उसे मार खिलवाती रहती हो तुम। तुम लेट आओगे तो गुस्सा तो आएगा ही। गुस्सा आया तो तुम मार लेती। होने वाले पति को मारना अच्छा नहीं लगता ना, इसीलिए लोगों से मार खिलवाती हो। हाँ। बहुत खुश हो ना? लेकिन मुझे हंसना आ रहा है। Why? तुम्हारा फेस जो है वो अमूल की टिप्पी की तरह पचका हुआ लग रहा था। ए, तुम्हें तो यारे विजय, रात की फिल्म कैसी रही? क्यों, सक्सेस है ना? सुपर सक्सेस हो ही गई थी, है ना विजय? यस यस, फिल्म बहुत अच्छी थी, थिएटर भी बिल्कुल भरा था। क्या पड़ी थी? तालियां तालियां। हाँ, बहुत तालियां मारी लोगों ने। मतलब हम लोगों ने मौका मिस कर दिया। थिएटर में कोई लफड़ा नहीं हुआ? अरे अरे, एक बिल्ली के सिवा है टोटल थिएटर पीसफुल था यार, बिल्कुल कोई भी नहीं था। रात को हम लोग सिनेमा में आए थे, बाहर पानी में मार मार कर देखा था। अब तुम दोनों ऐसे एक दूसरे को देखते रहो, चलो भाई। अरे वो बगीचे के सारे पौधे सूखे जा रहे हैं, उनका क्या करना है? आप लोग आए भी तो इतनी रात को, ये तो रात को सूरज निकलने के जैसा हुआ नायडू जी। बाहर लोगों के बीच इज्जत के लिए तुम नायडू कह के बुला सकते हो, पर इस जगह पर नहीं, यहाँ पर तो तुम्हें मुझे बड़ा मानना ही होगा और इज्जत देनी होगी। यही कहने के लिए इतनी दूर आए हैं क्या?
क्यों बेटा ऐसे क्यों कह रहे हो? वो तो तुम्हारी नहीं, हमारे बीच में अब कोई रिश्ता नहीं है, सारे रिश्ते टूट चुके हैं। तुम्हारे कहने का मतलब? अजी आप चुप रहिए ना, हमारी बेटी जवान हो चुकी है, हम उसकी शादी जल्द से जल्द करना चाहते हैं। तो मैं क्या करूं? आपकी लड़की है, उसकी शादी के बारे में सोचना आपका काम है। सोचना क्या है, तुम एक बार परमिशन दे दो, शादी हो जाएगी। आपकी लड़की की शादी के लिए मेरी परमिशन क्यों? ऐसा नहीं बेटा। ए, तुम चुप रहो, तुम्हारा एहसान नहीं चाहिए मुझे। मेरी लड़की की शादी में तुम आना पसंद करोगे या नहीं? नहीं पसंद है। ये तो हमारा व्यवहार है, हो गया, कल होने वाले भविष्य के बारे में सोच लो, कहीं ऐसा ना हो कि कुछ गड़बड़ हो जाए। सब कुछ सोच कर बोलूंगा तो तुम्हारी परछाई भी यहाँ नहीं पड़नी चाहिए, निकल जा बाहर। इसलिए बिना सोचे बोल रहा हूँ, सोचने के लिए मजबूर भी मत कीजिए, जाइए। ए कृष्णा, इज्जत से, इज्जत से। ए, इससे हमको क्या? सुनो, तुमसे ज्यादा बड़ा आदमी और खानदानी आदमी से अगर मैंने अपनी बेटी की शादी नहीं कराई तो मेरा नाम नायडू नहीं। रुकिए, आप अपने चैलेंज को एक किनारे रखिए, पहले ये पता कीजिए कि आपकी लड़की के दिल में कौन है और उससे शादी करवाइए। आपकी तो कोई इज्जत नहीं है, लेकिन उसके प्यार की तो कदर कीजिए, जाइए। इस गांव में इंग्लिश पेपर नहीं मिलता, एक ही पेपर कृष्णा जी के घर पर आता है, उन्हें पूछ कर लेकर आओ। ठीक है जाओ। अरे नहीं सुनो, उस दिन गांव में ड्रामे की वजह से जो गड़बड़ हो गई थी, अब दोबारा पेपर लेने जाओगे लोग क्या कहेंगे? नो, लोग तो कुछ ना कुछ। आप तो वैसे आपके भाई इंदू को पेपर के लिए पूरे गांव में भटकते हुए देख रहा हूँ, लीजिए आपका पेपर। ओह थैंक यू वेरी मच, ये पेपर मुझे बहुत जरूरी है, क्योंकि यू आर एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड, मतलब पढ़े लिखे बेरोजगार हो, वांटेड कॉलम के लिए पेपर चाहिए, करेक्ट है ना? अरे दीदी के बारे में आप बहुत कुछ जान चुके हैं। पहली बार नहीं जानने पर ही मात खा गया था, वैसा बार बार ना हो इसके लिए जानना पड़ा। आपके पिताजी घर पर हैं क्या? नहीं, स्कूल गए हैं, आइए ना अंदर। अंदर बुलाने के लिए थैंक्स, फिर कभी आऊंगा। ऐसे क्या देख रहे हो? वही जो बताया था, मैंने पहले भी कहीं आपको देखा है। कहीं तो देखा है मगर बताते नहीं हो कहाँ। कहीं तो देखा है लेकिन याद नहीं आ रहा है, चलता हूँ। और एक बात सुनो। हाँ? वांटेड कॉलम में चौथे पेज पर आपके उपयोग की एक सूचना है, पढ़ लीजिएगा। कौन सी कंपनी? पीआर। पीआर क्या कहा? पीआर। पीआर। हाँ? पीआर। पीआर। हाँ? ओके ओके, चलता हूँ। थैंक यू। ये सब क्या हो रहा है, सुबह सुबह रोड पर खड़े होकर वो पीआर 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 कहता है, और ये ओके ओके कहती है। ओके का मतलब है ठीक है, तो फिर पीआर का मतलब क्या है? वो लड़का क्यों आया था? पेपर देने के लिए। कौन सा पेपर? दिमाग खराब करने का पेपर, तुम्हें क्या? हाँ हाँ, ये सब पीआर का गोलमाल है ना। हाँ हाँ, पता लगाने के लिए थैंक्स। इस पीआर में कुछ तो गोलमाल है। अरे अरे रुक जा, ये पीआर का मतलब क्या है? पीआर नहीं, प्यार। अरे वही पागल, लेकिन इस प्यार का मतलब क्या है? बाप रे, अगर उन लोगों ने सुन लिया तो वो लोग मुझे बहुत मारेंगे, मैं छोटा हूँ, मुझे जाने दो। प्यार मतलब बड़े होने के बाद बोलने वाला शब्द है। बाप रे, ये जल्दी से पता लगाना चाहिए, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अरे सुनार, उनके पालन के बारे में, उनकी प्रजा के बारे में कोई चिंता नहीं होने के बावजूद महाराजा की लड़की जब प्यार में पड़ गई, ये समाचार सुनकर उनको बहुत दुख पहुंचा। उसी क्षण राजा ने अपनी बेटी के बारे में फिर से कुछ सोचने का निर्णय लिया। उस राजा के बारे में बाद में बात कर, पहले तुम्हारी बेटी के बारे में कुछ सोच, पागल गई का। माई मम्मी, क्या माँ भूकंप के जैसे क्यों चली आती हो ऐसे? तू यहाँ पर बच्चों को अच्छी अच्छी बातें पढ़ा, वहाँ पर तेरी बेटी प्यार सीख रही है, प्यार। साइलेंस, साइलेंस। माँ क्या बात कर रही हो, वो देखो कैसे हंस रहे हैं, तुमको प्यार का मतलब मालूम भी है? तुम्हें पता है तो तू ही बता दे। प्यार का मतलब होता है प्रेम, और क्या? इसी प्रेम के तो चक्कर में पड़ी है तेरी लड़की। किससे? अपने को ड्रामा वाले समझ के नाटक करवाया था ना, वही कृष्णा जी के साथ। क्या कृष्णा बाबू और रमा प्यार कर रहे हैं? हाँ। कृष्णा जी प्लस रमा दीदी इक्वल टू प्यार। अरे सबको पता चल जाएगा, इस तरह चिल्लाने से तो तुम्हारे पूरे स्कूल को पता चल गया। यही क्या, कृष्णा बाबू और रमा प्यार कर रहे हैं? तब तो पूरे गांव वालों को पता चल गया होगा। कृष्णा जी जल्दी ही तुम्हारी शादी है ना? किसने कहा दादा? पूरे गांव को मालूम है। क्या बात कर रहे हैं? मास्टर की लड़की से प्यार करके शादी करने वाले हो? मेरे और उनकी चार दिन की भी पहचान नहीं, और हमारा प्यार शादी, ऐसे कैसे हो सकता है? पता नहीं कहाँ से खबर उड़ रही है,
ये खबर अगर उस लड़की को पता चल गई तो कितना बुरा मानेगी मालूम है? अरे तो इसमें डरने की क्या बात है, क्यों भाई? हंस लो, बहुत हंस लो। कृष्णा जी जब खुद आके बोलेंगे ना कि हमारे बीच में कुछ नहीं है, तब तुम्हें समझ में आएगा। वो तुम्हारा ही है, तुम्हें उसे बचा के रखना होगा। अरे इस गांव की हर लड़की कृष्णा जी जैसा पति पाने के लिए भक्ति करती है। मुझे कुछ भी पता नहीं है, असली बात मैं उस लड़की से पूछकर ही पता करता हूँ। ये सबका क्या मतलब है भाई? तो मैं भी तुमसे पूछ रहा हूँ। ये सब करने के बाद रिवर्स मुझ पर आ रहे हो? रिवर्स जाना या बाजू में जाना हमारे खानदान को नहीं आता है। चाहे जो भी हो, फेस टू फेस करना ही हमारा उसूल है। ठीक है, फेस टू फेस पूछती हूँ, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? ये बात तुम बताओ। ठीक है, तुम मुझसे प्यार नहीं करते? ये बात मुझे बोलनी चाहिए? अरे बाप रे, कभी ना कभी किसी से तो प्यार करोगे ना? जब दोनों मिलकर सोचेंगे तब पता चलेगा। आप मुझसे खेल रहे हो। ये तो अन्याय है, आप मेरे साथ खेल क्यों रहे? क्या मैं आपका जीजा लगता हूँ या मामा? बस करो बस करो, अब मैं क्या करूंगी मुझे खुद को पता नहीं है। क्या कर लोगी? कुछ भी करूंगी। हाँ जानता हूँ, हमारी शादी की खबर पूरे गांव में फैला दोगी। मुझे जलाओ मत। हाँ मेरी हालत भी वही है। आई मुझे भी पता है। अब तक तो अपनी मर्जी से प्यार करके अब कुछ भी नहीं मालूम, ऐसे आई पड़ रहे हो बेटी। अरे दादी, मेरा और इनका कोई संबंध नहीं है। मेरा भी कोई संबंध नहीं है। अरे रे 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 रे। सब कुछ होने के बाद, चार लोगों को देखने के बाद जवान काटना, यही मतलब है क्या? ए मिस्टर। क्या सिस्टर? फालतू बात मत करो। देखो बेटी, अब तुमको एक अच्छा लड़का मिला है कह के जल्दी से प्यार करके इधर उधर सब जगह घूम के सब लोगों के पता लगने पर बोलो कि मुझे कुछ नहीं मालूम, और उसके बाद कहोगी कि हम लोगों ने इन चार लोगों के कान में फूल नहीं रखे हैं, यही कहोगी। अब क्या बकवास कर रहे हैं? क्या है, तुम दोनों के बीच में आ है, यही तो बोलता हूँ। नहीं है। अभी भी है? नहीं है। अभी भी है? नहीं है। अरे क्या तमाशा है ये? हम दोनों प्यार करते हैं। अरे रमा, लेकिन आप चुप रहिए। हमारे बीच में आ आई के अलावा हम अहा भी है, जिसको जो बोलना है बोल दो। I love him and he loves me. अरे पानी डालो, पौधे सूख रहे हैं, जल्दी आओ। आओ मामा जी। मामा जी कैसे हैं? कैसे चल रहा है मेरे बच्चों? कैसे हैं? ठीक है ना? आओ तुम कैसे हो? अरे इस पेटू को लेकर क्या है? मुझे फोन नहीं कर सकते थे तुम लोग? वो बदल गया। देखिए वो बदल चुका है। अरे वो देखो। आए छोटे भैया। भैया कैसे? भैया हाँ हाँ ठीक हो ना? बहुत बढ़िया भैया। हाँ और परीक्षा कैसी रही? बहुत बढ़िया। फर्स्ट क्लास आएगा ना? एकदम। अमेरिका में जाओगे ना? वाई ना। कौन है भैया? सुंदर मास्टर को जानते हो ना? पता नहीं। हाँ वो अभी नए आए हैं ना, नहीं जानते होगे। ये उनकी लड़की है रमा, बीकॉम ग्रेजुएट, बहुत अच्छी लड़की है। नमस्ते भैया। कहीं तुम्हारा और इनका? हाँ भाई, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। हाँ अरे आराम मामा जी। भैया 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 खड़ा हूँ। मामा जी भैया तो भाग गए, अब आप ही कुछ बताइए ना। भैया और रमा का कहीं? अजी रमा, मैं आया मैं आया। हाँ मैं यहाँ हूँ। मैं आया। आप यहाँ हैं, आपसे एक बात पूछनी है। आपको क्या बोलूँ, मुझे पता नहीं, इसीलिए पूछ रहा हूँ। ओके मैडम, अब आप ही बता दीजिए ना। आप और भैया के बीच? अरे मैं और तुम्हारा भाई क्या है, मैं आ रही हूँ। अरे टोटल सीन समझ में आ गया, इन दोनों के बीच में दिल तो पागल है चल रहा है। अरे पागल का बच्चा, वहाँ पर इंतजार हो रहा है, कुछ कुछ होता है रे। अरे डोसा में उपमा डाल के खाओ, अच्छा लगेगा। अरे भाई ये सब तुम लोगों के लिए, आराम से खाओ खाओ। ये उपमा है, इसमें काजू और बादाम डाल करके बनाया गया है ये। लाजवाब। अरे गुरु, मैंने तो रात के लिए भी बचा के रख लिया है। क्यों बेटा खूब खा रहे हो? अरे क्या ये बोतल भी खा जाओगे तुम?
तुम वही हो ना बेटा जो पिछली बार आए थे तो मुझे बहुत तंग किया था। नहीं अंकल मैं वो नहीं हूँ। हाँ मुझे सब मालूम है, शक्ल वही है, बॉडी ऐसी नहीं थी पहले। अंकल जी मेरे कपड़े इस्त्री कर दोगे ना? हाँ हाँ मैं तेरे कपड़े इस्त्री कर दूंगा। मामा जी ने कहाँ पे शिफ्ट कर रहे हो? अरे यार गेस्ट हाउस में। अरे वही गेस्ट हाउस में। मामा जी वो सेल फोन देना। तुम लोग मामा जी के भरोसे पे मत रहना, मैं सब इंतजाम कर दूंगा। ये लो। हेलो चलो। कम ऑन फ्रेंड, चलो एंजॉय करेंगे। आजा आजा आजा। मामा जी ये लो। केशव मैं अपने खेतों में से 10% लड़की के दहेज में दे रहा हूँ, जिससे तुम 10 लोग भी खाना खाओगे तो सुख से रह सकते हो, सुखी रहो। अरे रे 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 रे। तुम दोनों भाइयों को कितना बड़ा मार मारा उस कृष्णा ने। तुम्हारी बेटी की शादी उस नौकर से करने के लिए बोला तो तुम लोगों ने नहीं किया। ऊपर से तुम्हारी लड़की को ले जाकर उस नौकर से शादी करा के 5 एकड़ खेती भी देकर तुम्हारी इज्जत मिट्टी में मिला दिया। इतना होने पर भी दोनों भाइयों का घमंड नहीं गया। मुंह बंद कर रहे। रात को पेट्रोल डाल के खत्म करने के लिए बोला तो आपने रोक लिया। वैसा करने से नुकसान अपने को ही है। हमें तो मारना उस कृष्णा को है समय देखकर। एक भी पल उसे खुशी से रहने नहीं दूंगा। इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो तुम लोग? कुछ दिन और नहीं रह सकते? कंप्यूटर क्लास है भैया। ठीक है लेकिन अपना ख्याल रखना। रुको रुको, इतनी भी जल्दी क्या है? तुम्हारे लिए स्वीट लेकर आई हूँ। मैं कह रहा हूँ उसको दे दे दे। अब तक भैया के कारण ही 1 हफ्ता ज्यादा रह चुके हैं हम। आते हैं भाई। भैया फिर मिलेंगे आपकी शादी में। देखो इम्तिहान देकर तुम लोगों को वापस फिर आना पड़ेगा। भैया की जितनी जल्दी शादी होगी उतनी जल्दी मेरी तेरी लाइन क्लियर होगी। अरे कुछ भी सोचो। रमा जी बचपन से लेकर आज तक दुख के सिवाय सुख नहीं देखा। भैया को आज इतनी खुशी मिली है इसका कारण आप हो। जितनी जल्दी आप लोगों का प्यार शादी में बदल जाएगा उतनी खुशी। चलता हूँ भैया। भैया कृष्णा क्या हुआ? ऐसा क्या हुआ? क्या हुआ? आंसर आंसर मिला है। किसका आंसर? मुझे देखने पर कहीं देखा है कहीं देखा है बोला करते थे ना, मैं बताऊं कहाँ देखा है? नहीं मालूम। तुम और मैं पिछले जन्म के प्रेमी हैं, उस जन्म में बिछड़े थे इस जन्म में मिले हैं, इसीलिए तुम कहते थे कि तुमने मुझे देखा है। मतलब हम दोनों पिछले जन्म के प्रेमी हैं क्या? हाँ। किसने बताई ये बात? पुरानी किताबें ठीक करते वक्त एक पूर्व जन्म की किताब मिली, उसमें ये सब लिखा था। और अगले जन्म की क्या पोजीशन है? अरे ऐसी बात मत करो। अगले जन्म में मिलने के लिए हम दोनों को इस जन्म में बिछड़ना होगा, और ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती। अरे पगली। नहीं प्यार है, दोनों एक ही है रे। कृष्णा जी तो दूसरे के बच्चों को बहुत कहते थे कि मेरी तरह बनो। अब ये क्या बोलेंगे, इन्होंने भी शिकार करना शुरू कर दिया है। इसीलिए बोले औरत का हवा भूकंप से भी ज्यादा पावरफुल है। बेटा क्या बात है मामा जी? कहाँ जा रहे हो बेटा? मैं और रमा मंदिर जा रहे हैं, उसको घर छोड़कर आऊंगा। ओ तुम्हारा रमा के साथ घूमना अच्छी बात नहीं है क्या मामा जी? जल्दी हम दोनों शादी करने वाले हैं, साथ में मंदिर जाने में क्या बुराई है? बेटा ये बात तुम्हें और मुझे गलत नहीं लगती, लेकिन देखने वाले लोग ये बात हमारे जैसे नहीं सोचते, उनको जैसा लगता वो ऐसा ही बोलते हैं। बेटा उस लड़की की इज्जत का हम लोगों को ख्याल रखना पड़ेगा, शादी के बाद तो तुम चाहे। समझ गया मामा जी, अच्छा दिन देखकर एंगेजमेंट की तैयारी कर लीजिए। ठीक है, तुम्हारी इच्छा मेरी इच्छा, अपनी शादी के लिए पहले मेरे भैया की इच्छा होनी चाहिए। मालूम है। उससे पहले भैया अपनी शादी कब कर रहे हैं इस बात का पता लगाना चाहिए हमें। पता लगा लो। पता लगाओ, तुम्हें क्या ये आसान लगता है? अरे भैया से पूछने के लिए मुझे थोड़ी हिम्मत जुटानी पड़ेगी। मिस्टर डरपोक विजय कुमार ब्रदर ऑफ कृष्णा, तुम्हें जो हिम्मत की जरूरत है मैं तुम्हें दूंगी, पहले फोन लगाओ। फोन पे कैसे पता लगाएंगे? अरे फोन बनाया ही गया है ऐसी बात करने के लिए, तुम पहले फोन तो करो। मरवाओगे तुम मुझे? ये तो सैंपल है, पहले शादी हो जाने तो फिर। चुप रहो, रिंग जा रही, रिंग जा रही। साहब आपके लिए फोन है। हेलो कौन है? भैया मैं विजय बोल रहा हूँ। हाँ विजय बोलो, कैसे हो? कोई प्रॉब्लम है क्या?
अरे कुछ नहीं, वो तो बस ऐसे ही। अरे शादी की बात करो ना। भैया एक बात करनी है आपसे। क्या बात है? भैया गैया कैसी है, बाकी लोग कैसे हैं? यही क्या हुआ, ऐसे चिल्ला क्यों रहे हो? कोई प्रॉब्लम हो गई है क्या? अरे प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है भैया। भैया सुन लेंगे। हेलो भैया, मैं यहाँ पर एक बड़ी खूबसूरत सी लड़की से प्यार करता हूँ। ये बात आपके सामने बोलने की हिम्मत नहीं हुई थी, इसलिए फोन पर बोल रहा हूँ मैं आपसे, क्योंकि फोन पर डर नहीं लगता ना। अगर आप ओके बोले तो उस खूबसूरत सी अप्सरा जैसी परी जैसी लड़की को मैं शादी करना चाहते हो, यही कहना है ना? इस बारे में एक बार और बोलो भैया। ओके, तुमने जिस लैला से प्यार किया उसी से शादी कर लो मजनू। थैंक यू भैया। आप अपनी शादी कब फिक्स कर रहे भैया? मेरी? हाँ हाँ, फिक्स करने वाला हूँ। दोनों की शादी के लिए एक ही मुहूर्त फिक्स कर दो। क्या क्या? सेम डायलॉग रिपीट करो भैया। मैं सोचता हूँ कि दोनों की शादी के लिए एक ही मुहूर्त फिक्स करो। थैंक्स भैया, आपकी मर्जी मेरे अच्छे भैया, मेरे बड़े भैया, मेरे प्यारे भैया। बाय। वन मिनट। देखिए मेरे भाई की होने वाली पत्नी जी, आपकी वॉइस बहुत अच्छी है, मिमिक्री प्रैक्टिस करती रहिए, फ्यूचर अच्छा बनेगा। मतलब आप मेरे भाई पर हुक्म बहुत चलाती है, शादी के बाद जरा कम करना, समझ गई ना? हाय शिल्पा, तुम दोनों को शादी करने के लिए तुम्हारे भाई ने तो ग्रीन सिग्नल दे दिया। गुप्पी कपल के लिए मेरी हार्टिएस्ट कांग्रेचुलेशन। अच्छा विजय, बता आगे का क्या प्रोग्राम है? विजय मुझे तुम पे बहुत गुस्सा आ रहा है। क्यों? प्यार तो सबके लिए होता है, तुमने सिर्फ शिल्पा के लिए कुर्बान कर दिया। डोंट वरी, तुम्हें मैं सेकंड सेटअप जैसे रख लूंगा। नमस्कार। नमस्कार। नमस्ते। नमस्कार सर। कुर्सी खाली करो, आइए बैठिए। आइए बैठे इधर। मास्टर जी कार्यक्रम चालू करूं क्या? हाँ, लेट क्यों करें, आप चालू करिए। पंडित जी थोड़ा देर रुकिए, मेरा बड़ा बेटा आ रहा है। इसको इंग्लिश में ओवर कहते हैं। मैं हिंदी में मुंह बंद करने को कहती हूँ। मास्टर साहब कौन आया है देखिए? मेरा भाई है। अरे डरता क्यों है पगले, तेरा बड़ा भाई है। नमस्कार। नमस्कार भैया, आओ। कैसे हो? यही है कृष्णा जी। नमस्कार। नमस्कार। पढ़े लिखे हैं, जमींदार है, बड़े इंसान है, इस गांव के लिए तो वो भगवान है, इन सबसे बढ़कर अपनी लड़की के होने वाले पति हैं, बहुत योग्य है। पति नहीं एक खूनी भी है, जेल में रहा हुआ एक कैदी भी है, अपने बाप का खून करने वाला हत्यारा है। पूछो इससे, क्यों ऐसे खामोश क्यों हो, क्यों तुमने जेल में सजा नहीं काटी है? बताओ। कुछ बोलिए कृष्णा जी, क्या ये बोल रहे सच है? बताओ बेटा, तुमने सच में हत्या की है क्या? हाँ ये सच कह रहे हैं, मैं जेल जा चुका हूँ, मैं एक सजा याफ्ता मुजरिम। आपको नमस्कार करने वालों को देखा है, भगवान कहते हुए देखा है, लेकिन आपको खूनी कहते हुए मैं सुन नहीं सकती। नहीं, मैं यकीन नहीं कर सकती, इसके पीछे क्या है आपको सबके सामने बताना होगा, प्लीज। बताता हूँ, तुम्हें ये बताने के लिए कई बार सोचा था लेकिन कभी समय नहीं मिला। सबका जीवन दया से लिखने वाले भगवान ने मेरा जीवन बदले की कलम से लिखा है। उस समय मैं 10 साल का था, अपने पिता की इकलौती संतान था, मेरी मां मुझे बहुत प्यार करती थी, मेरे दादाजी के पास बहुत जायदाद थी, इसलिए मेरे पिताजी लालची हो गए थे, उन्होंने एक औरत को घर पर लाकर रख लिया। हमारे खानदान की बदनामी ना हो इसलिए मेरी मां ने पूरी दुनिया के सामने अपने बीमार होने का नाटक किया और इस तरह पिताजी की इज्जत बचाई। उसके बाद उस औरत को एक लड़का हुआ, मैं उस लड़के को सगा भाई समझता था और उस औरत को अपनी मां का दर्जा दिया था, लेकिन उनको उनको इस बात से संतोष नहीं था। और एक दिन बेटा कृष्णा। कृष्णा आ रहा हूँ माँ। आओ बेटा। रात को खाना खाया था बेटा? मैं खाना खा रहा तो आपने ही तो मुझे प्लेट फेंक कर मारा था। सुबह नाश्ता किया था ना बेटा? माँ अगर मैं
खाना मांगूंगा तो आप मारेंगी तो नहीं ना? देखो तुमने पूछा और उसने रामायण सुना दी, समझी? गलत है भैया। बेटा ये लो कॉफी, जाकर तुम्हारी माँ को दे के आओ, बाद में मैं तुम्हें कुछ खाने को देती हूँ। ठीक है। इस चाल से तुम्हारी सौतन नहीं रहेगी अब। रानी कॉफी भेजो, दर्द दर्द कर रहा है। अरे वो क्या है? माँ के लिए कॉफी है पिताजी। यहाँ पर ले गिरा। लेकिन ये माँ के लिए है। माँ के लिए और बना कर ले जा, जा जा। क्यों बेटा कॉफी दे दी? लेकर जा रहा था तो पिताजी ने छीन कर पी ली। जीजा क्या हुआ? क्या हुआ? पिताजी क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ इनको? बेटे ने अपने बाप को जहर दे दिया। ये झूठ है। ए, नाटक मत करो, तुम्हारे बेटे ने ही जहर दिया, इस बात को मत झुठलाओ। अगर मेरी माँ के बारे में एक लफ्ज़ से आगे कहा तो मैं मार डालूंगा। ए, अभी तुमने बाप को जहर देकर मार डाला, और कितने लोगों को मारोगे तुम? हटो हटो, क्या हुआ? क्या हुआ इनको? क्या हुआ? इसके लाडले ने इनको जहर देकर मार दिया है। नहीं नहीं, जरूर इन्होंने ही कुछ किया है। कल तक बीमारी का नाटक कर रही थी, आज पति की आवाज सुनकर भागते चली गई। यहाँ पता चलता है कि गलत है। मत कर, रास्ते पर रहने वाली बजात औरत मेरी बहन के ऊपर झूठा इल्जाम लगा रही, तुझे शर्म नहीं आती है? वैसे जिस समय मैं जेल में था तब वार्डर रंगनाथ जी ने माता पिता की तरह मुझे पढ़ना लिखना सिखाया, और 3 साल के बाद मेरे मामा जी मेरे भाई को लेकर मेरे पास आए। उन्होंने मुझे बताया कि मेरी दोनों माओ को एक सांप ने काट लिया जिससे उनकी मौत हो गई, और उसके बाद से मेरा भाई अनाथ हो गया था। लेकिन उन्हें यह बात सहन नहीं हुई क्योंकि यह हमारा ही खून था, इसलिए उसकी जिम्मेदारी मेरी थी और मुझे उसको पढ़ाना लिखाना था। रंगनाथ जी के ट्रांसफर होने के बाद आने वाले जेलर तुम्हारे बड़े पापा ने जेल में सबकी भलाई के लिए लड़ने के लिए मेरा जेल का समय बढ़ा दिया, और सजा काटने के बाद जब मैंने गांव में कदम रखा भैया, जैसा हमने सोचा वैसे ही हो रहा है। ए, रुको। ए, अपने ही मां बाप की जान लेने वाला ये आदमी अंदर घुसा रहा है, इसको भगाओ। मैंने किसी की जान नहीं ली। देखो देखो आ गया, माँ बाप को खाने वाला हत्यारा, और शर्म भी नहीं आती है इसको। जन्म देने वाला बाप को मारने वाला राक्षस है ये। तेरे जैसे को गांव में रहने देंगे तो हर लड़का गुनेगार हो जाएगा। ये एक नंबर का गुंडा है। तू अपना भला चाहता है तो चुपचाप ये गांव छोड़कर चला जा। ए, अरे इससे बात क्यों कर रहे हो, मार के भगाओ उसको। Oh.
मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। बता, मेरे पिताजी कैसे मारे? मैं बताता हूँ। तुम्हारे पिताजी को जहर खिला के मारा गया है। और मेरी माँ कैसे मरी? अन्याय से तुम जेल गए, ये सुनकर तुम्हारी माँ सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई। अब क्या बोलते हो? सबके मुंह बंद क्यों हैं? हमें माफ कर दो बेटा, इन दोनों को जान से मार देना चाहिए। इनकी बात सुनकर मुझे मारने चले थे, अब मेरी बात सुनकर इन्हें मारने चले हो? अरे मनुष्य का जन्म मरने मानने के लिए नहीं होता, वो तो साथ में रहकर जीने के लिए होता है। हटो, जाने दो। इस तरह नायडू के अन्याय के विरोध करके मैंने घर को, धन को और प्रतिष्ठा को बचा लिया। एक तो तुम्हारी मां के साथ में अन्याय हुआ, दूसरा तुम पर खून का इल्जाम लगाया गया। ये तो एक भगवान की ली हुई परीक्षा है, इससे कोई नहीं बच पाया है। मैं तुमसे क्षमा मांगता हूं मेरे भाई। तुम अगर मेरी भांजी से शादी कर लोगे तो मुझे बहुत खुशी होगी, मेरा सर गर्भ से ऊंचा हो जाएगा। बेटे कृष्णा, कितने साल हुए सर आपको देखे हुए? कैसे हो बेटे? आइए बैठिए, आप बताइए कैसे? मैं ठीक हूँ। मैंने राजमंडी जेल से दो चिट्ठियां लिखी थी, आपने जवाब क्यों नहीं दिया? सॉरी बेटा, वो चिट्ठी मुझे नहीं मिली, मेरा विजयवाड़ा ट्रांसफर हो गया, वहाँ पर ही रिटायर भी हो गया। मतलब टोटली रेस्ट हो गया? हाँ। आपने मुझ पर जो विश्वास जताया है वो मैं जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगा। मुझे एक खूनी की तरह नहीं देखकर आप अपने बेटे की तरह देखते थे। आपकी बताई हुई बातों और सिखाए गए पाठ ने ही मुझे एक अच्छा इंसान बना दिया है। ऐसा कहना तुम्हारा बड़प्पन है बेटा, मैंने तो सिर्फ अपना फर्ज निभाया है बेटे। खाना खाइए। इन दिनों आप क्या कर रहे हैं? हमारे डिपार्टमेंट के तरफ से प्रोविडेंट फंड 3 लाख का मिला है मुझे। एक चीट फंड कंपनी में हिस्सेदार रह के मैं भी छोटा सा उद्योग कर रहा हूँ बेटा। यहाँ से आने वाले पैसे और पेंशन के पैसों से मेरा और मेरी बेटी का जीवन अच्छी तरह से चल रहा है। मैं चलता हूँ। कम से कम एक दिन तो साथ में रहिए। बेटी घर पे अकेली है, रुक नहीं सकता। तुझे देखने का मन हुआ तो आ गया। अच्छा बेटा, चलता हूँ मैं। रामा बेटी, एग्रीमेंट हो गया क्या? हाँ पुजारी जी, भगवान की दया से सारी समस्याएं दूर हो गई, अब बस शादी भी हो जाए। वैसे ही शादी भी अच्छी तरह से हो जाएगी। हट जाओ सामने से। बाजू हटने के लिए नहीं आया हूँ। फालतू बातें मत करो, कृष्णा जी को पता चला तो? उसको पता लगने के लिए तो ये सेटअप बनाया मैंने। ए! उस दिन कृष्णा ने मेरे भाई की लड़की की शादी एक लेबर से करवा दी, आज तेरी सुहागरात एक के साथ नहीं 10-10 लोगों के साथ होगी। चल। साहब साहब, वहाँ नायडू का भाई अपने रमा जी को उठाकर ले जा रहा है। क्या? Thank you.
पूरी तरह से जांच करने के बाद और सारे सबूत देखने के बाद कृष्णा को यह अदालत 7 साल की सजा सुनाती है और नायडू और उसके भाई सत्या को भी दोषी मानते हुए यह अदालत उन्हें भी 5,000 रुपए जुर्माना और 5 साल की सजा सुनाती है। हम हाई कोर्ट में अपील करेंगे तो आपकी सजा कम हो जाएगी, ऐसा वकील बोल रहे हैं भैया। हाँ सर, हाई कोर्ट जाएंगे तो आप छूट ही जाएंगे और नायडू और उसके भाई को मौत की सजा मिलके रहेगी। पहले आप इस कागज पर दस्तखत कर दें। नहीं लायक जी, मैं इस पाप का भागीदार हूँ और जो गुनाह किया उसकी सजा मिलनी चाहिए। तो हाँ विजय, तुम्हारा अमेरिका प्रोग्राम कब का है? टिकट आ गई है, एम्बेसी से वीजा भी आ गया है, लेकिन ये खुद नहीं जा रहा है। आप यहाँ पर जेल में सजा काटेंगे और मैं वहाँ अमेरिका में पढ़ाई? नहीं, ये मुझसे नहीं होगा भैया। विजय, मेरे लिए तुम अपना भविष्य मत बिगाड़ो। हमारे घर में दिया जलाने वाली रमा आज आग में जलकर भस्म हो गई है, ये सोच सोच कर मेरा दिल रो रहा है। जेल की सजा काटकर मैं इसका प्रायश्चित करूंगा, इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। मेरे गुनाह के लिए तुम अपना भविष्य मत बिगाड़ो, वरना मेरी जीने की आशा भी मर जाएगी। भैया, अपने लिए नहीं तो मेरे लिए अमेरिका जाओ, अच्छी तरह पढ़ लिख कर बड़े इंसान बनो प्लीज। ठीक है भैया। मामा जी, हाँ? इसे कोई कमी मत महसूस होने देना। ठीक है, ऑल द बेस्ट। तुम्हारे भैया जेल से कब आएंगे? 7 साल के बाद। और तुम अमेरिका से कब लौटोगे? अपने भैया के छूटने के बाद सोचूंगा मैं। ठीक है, तब तक मैं इंतजार करूंगी। तुम्हारे पिताजी मानेंगे क्या? नहीं, ये सही नहीं है। तो क्या करना चाहिए? हर इंसान को खुशी पाने का हक है, अगर वो ना हो तो उसे घर वालों को खुशी देनी चाहिए। अब मैं अपने भैया के लिए अमेरिका जा रहा हूँ, वैसे ही तुम भी अपने पिताजी के अनुसार चलो। अपना प्यार शादी में बदल जाएगा ऐसा सोचा था मैंने, लेकिन ऐसा सब कुछ होगा ये तो नहीं सोचा था विजय। क्या करें शिल्पा, हमारे सोचने से क्या होता है, सब भगवान करता है। सच में ऐसा लगता है कि भगवान हमारे प्यार की परीक्षा ले रहा है। जो सोचते हैं वो कभी नहीं होता, जो होने वाला है वही होता है।
फिर हम कब मिलेंगे विजय? मैं जो फैसला कर रहा था, मैं डर रहा था कि तुम क्या सोचोगी, लेकिन तुमने परिस्थिति को मेरी तरह ही लिया। अगर हमारी शादी ना हुई तो क्या हम दोनों देवदास और पार्वती जैसे जिएंगे? अपने प्यार में सच्चाई है विजय, लेकिन भगवान का आशीर्वाद नहीं इसलिए ऐसा हुआ। लेकिन एक बात सच है, लोग दोस्ती के लिए तो प्यार भी निछौर कर देते हैं, और फिर मैं तो तुम्हारी प्रेमिका हूँ, मैं ये सब सह लूंगी विजय। ऑल द बेस्ट। अरे रे 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 रे, लड़की घर में एंट्री दे दी है, ऐसा ही लगता है। कोई भी लड़की जब तक छोटी होती है तब तक माँ के लाड प्यार को अच्छी तरह से नहीं समझ पाती है, लेकिन यही छोटी बच्ची जब माँ बन जाती है तो सब समझ जाती है, ये कॉमन है। एक बात बताऊँ, जिस तरह जेल में कृष्णा ने सबको सुधार दिया है। क्या कहा? बताता हूँ, सरकारी छुट्टी के दिन कृष्णा ने महात्मा गांधी जी के बारे में लेक्चर देकर सारे कैदियों को जीने की राह दिखाई, इसीलिए सजा कम करके उसको जेल से छोड़ा जा रहा है। मेरे चाचा भी आ रहे क्या? तू फिर डर गई बेटी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्या हुआ? क्या होगा, वहाँ दोनों भाइयों के गंदे चाल चलन को देखते हुए परिवर्तन न होने के कारण दोनों की सजा में और बढ़ोतरी हो गई है 4 साल की। अच्छा। उन दोनों को गांव में ही नहीं घर में भी दुत्कारा जा रहा है। वो कहीं दे रहे, उसे छोड़ना नहीं। हाँ बेटा, आज ही कंपनी खुलेगी। नहीं खोलेंगे तो कंपनी को उड़ा देंगे। मेरे लाख रुपए। अरे क्या हो गया? आपको क्या हो गया? इसे पकड़, पकड़ जल्दी, उधर ले चलो, आगे चलो, उठाओ उठाओ। अब हमारा क्या होगा भैया? डरने से क्या होगा, हमें कुछ करना चाहिए। जो भी करना हो जल्दी करो, क्योंकि अभी लेट हो चुका है। हम सब आपका सपोर्ट करेंगे, चलो करो। ऑफिस के सामने इतनी भीड़ क्यों है? क्या बात है, इतने लोग क्यों इकट्ठे हैं? यही उसका आदमी है, पकड़ो, यही उसका पार्टनर है, पकड़िए। बेटा, मुझे कुछ नहीं मालूम, मैं इस कंपनी का हिस्सेदार हूँ, लेकिन मुझे अभी तक एक पैसे भी नहीं मिले हैं। ये सब नाटक बंद कर, वो कहाँ है पहले ये बता। अरे तो रघुनाथ जी, क्या बात है, इन्हें क्यों मार रहे हैं आप लोग? हमारे खून पसीने के कमाई को इसका पार्टनर लेके भाग गया है, और ये है उसका हिस्सेदार, फिर भी कुछ नहीं बोल रहा है। मैं भगवान की कसम खाकर बोलता हूँ, मुझे कुछ नहीं मालूम बेटा, मेरे पीएफ का पैसा 3 लाख भी इस कंपनी में लगा है, मेरे सारे पैसे गए, मेरी बेटी की शादी अब कैसे होगी, मेरी बेटी की शादी अब कैसे होगी, मेरे पैसे। रघुनाथ जी, हमने मैक्सिमम ट्राई कर लिया, लेकिन चांस बहुत कम है, जाकर देख लीजिए। रघुनाथ जी, बेटा कृष्ण, मेरी बेटी, आप ये सब सोचिए, आप रेस्ट कीजिए। अब का रेस्ट बेटा, मैं मर जाऊंगा तो मेरी बेटी अनाथ हो जाएगी। आप डरिए मत, कुछ भी नहीं होगा। मैं और जीने वाला नहीं हूँ, मेरी बेटी के माता पिता तुम ही हो बेटा। Oh, my God.
बेटी समय बीता जा रहा है, यह काम जल्द से जल्द हो जाना चाहिए। प्लीज कंट्रोल योरसेल्फ, मामा जी तैयारी कीजिए। हाँ, तुम लोग इधर आओ, आओ भाई हाथ लगाओ, तुम उनको अंदर ले जाओ, संभाल के उठाना। हमारे पैसे चुकाए बिना लाश को नहीं उठाओगे? भाई पहले अर्थी उठ जाने दीजिए, फिर उसके बाद झगड़ा करिए। अरे बाद में क्या बात करोगे तुम लोग, ये अर्थी उठने से पहले हमारे पैसे चाहिए, वरना ये अर्थी नहीं उठने देगी। हाँ। ऐसे क्या चुपचाप खड़े हो, जवाब दो, हमारे पैसे लौटाने ही पड़ेंगे तुम्हें। अभी अभी एक लड़की का बाप मरा है और तुम उससे इस तरह बातें कर रहे हो, जरा सी भी इंसानियत नहीं है तुम्हारे अंदर? इंसानियत की बात मत करो बाबू, अगर तुम्हें इतनी ही शर्म आ रही है तो पैसे दे दो, अगर पैसे नहीं दोगे तो यहाँ से लाश पे ही जाने दूंगा, समझ गया कि नहीं? ए, जबान संभाल कर बात करो, रंगनाथ जी की लाश लावारिस नहीं है और ना ही ये लड़की अनाथ है, मैं हूँ, मैं उधार चुकाऊंगा तुम्हारा। मामा जी रंगनाथ जी के नाम पर कोई धब्बा नहीं लगना चाहिए, तुरंत अपने गाँव के चौधरी को फोन करके पैसे मंगाओ, किस किस को कितना देना है प्याज के साथ उसके मुंह पर मारो, उसके बाद ही अंतिम संस्कार होगा। कोई अच्छा दिन देख के हम लोग यहाँ से निकलेंगे। मैं अपनी फ्रेंड के घर शिफ्ट हो जाऊंगी। क्यों बेटी, तुम अंधेरे से बाहर नहीं आना चाहती? अब तक कृष्णा जी ने मुझे कितना सहारा दिया है, वहाँ पर आकर मैं उन्हें और कष्ट नहीं देना चाहती, मैं नहीं आऊंगी। अरे बेटी तुम तो हमें पराया समझ के बात कर रही हो, कृष्णा जी ने तुम्हारी मदद नहीं की है, रंगनाथ जी का कर्ज चुकाया है, उन दोनों के बीच क्या रिश्ता था मुझे नहीं मालूम, वो तुम्हारी भलाई के लिए ही कह रहे हैं। ये सच है, लेकिन मैं उन्हें और कष्ट नहीं देना चाह। आपको हमारे साथ नहीं आना है तो मैं यहाँ रुक जाऊंगा, लेकिन पढ़ाई के लिए फ्यूचर के लिए जो चाहिए वो खर्चा मैं देखूंगा, ना मत बोलिएगा। अरे बेटा पिता को खोने के बाद इस घर में लड़की अकेले कैसे रहेगी? मामा जी इस लड़की को हमारे साथ रहने में शर्म आ रही है। अगर इसको शर्म आ रही तो इसको हम अकेले छोड़ के नहीं जा सकते, मैं इसको समझाता हूँ। देखो बेटा आज से तुम्हारा अच्छा बुरा देखना हमारा काम है, मैं पिता समान हूँ, मैं जो कह रहा हूँ अब ज्यादा मत सोचो, हमारे साथ चलो। इतने सालों के बाद आए हो, तुम्हें देखे बिना नहीं रहा गया बेटा, इसलिए मैं आ गया। आपके बिना हमारी जिंदगी उदास है। उस नायडू को जिंदा नहीं छोड़ेंगे, अगर वो इस गांव में कदम रखा तो उसे मार डालेंगे। मुझे बेटा हुआ है, आप ही का नाम रखा है। हाँ साहब, आशीर्वाद दे दीजिए साहब, मुझे कुछ बात करनी है। बेटा तुम्हारे नहीं रहने के कारण इस गांव में त्योहार नहीं मनाया गया, इसलिए इस साल का दशहरा गांव वाले तुम्हारे साथ मनाना चाहते हैं, गांव वालों की यही इच्छा है बेटा। अरे मामा जी मुझे किसी विषय में इंटरेस्ट नहीं है, आज के बाद कोई विषय मेरे पास लेकर मत आइएगा, मेहरबानी करके मुझे अकेला छोड़ दो। लक्ष्मी जी मालिक, तुम इनको अंदर कमरे में ले जाओ। आइए। चंद्रा बाबू, चंद्रा बाबू। हाँ नमस्ते नमस्ते, आइए बैठिए बैठिए बैठिए। हाँ आप लोग यहाँ बैठिए बैठिए। कहिए क्या बात है? कृष्णा जी से कुछ बात करनी है। कृष्णा जी से बात करनी? ठीक है मैं बुलाता हूँ। कुंभ अभिषेक के लिए उनका आना जरूरी है, कोशिश करते हैं। नमस्कार। नमस्ते जी। नमस्कार, नमस्कार। बैठिए। हाँ जी बैठिए। कल गुरुवार है, मंदिर में कुंभ अभिषेक की तैयारी कर रहे हैं, आप वहां आएंगे ना? मैं नहीं आ पाऊंगा, क्षमा चाहता हूँ। नहीं आएंगे? आपने ही तो मंदिर बनवाने के लिए जगह दी है और 2,00,000 रुपए का दान दिया है, इसलिए आपको आना ही पड़ेगा। एक बार सोच लीजिए, हम कल आते हैं। अच्छा चलते, चलते हैं। ये क्या है मामा जी, मैंने कहा था ना मैं नहीं जा पाऊंगा। भगवान का कार्यक्रम है बेटा, चले जाओ तो अच्छा है। नहीं मामा जी मुझसे ये सब नहीं होगा। चाचा जी क्या मैं जान सकती हूँ
मैं परसों से देख रही हूँ सब लोग इन्हें मंदिर में बुला रहे हैं, फिर भी ये जा ही नहीं रहे हैं। क्या बोलूं बेटा, उसने अपनी जान से ज्यादा प्यार करने वाली लड़की को अपने हाथों से खो दिया है, इसी कारण वो अपनी आधी जिंदगी जेल में बिता चुका है। सच है, अगर अपने दूर हो जाए तो उन्हें भुलाना आसान नहीं। सच है, लेकिन वो भूले तो कैसे? क्या उनके लिए मैं कुछ कर सकती हूँ चाचा जी? सच कह रही हो बेटी, तुम बुरा ना मानो तो मैं एक बात कहूँ क्या? पूछिए ना। 10 लोगों का भला करने वाला इंसान आज कमरे में बैठा हुआ है, जो हुआ है उसे भूलना ही होगा, पहले जैसा कृष्णा बनना होगा, इसके लिए तुम्हारी मदद चाहिए। मेरी मदद? हाँ बेटी, तुम समझदार हो, अच्छा क्या है बुरा क्या है अच्छी तरह से जानती हो। मेरे कृष्णा को पहले जैसे कृष्णा बनाने की जिम्मेदारी ले लो बेटी। क्या सोच रही हो बेटी? यही सोच रही कि तुम्हारा अपना दुख है, दूसरे के दुख को कैसे दूर करोगे? चाचा जी, मेरा क्या है, मैं नाराज रहूं तो मुझे कौन पूछेगा? लेकिन वो नाराज हो जाएंगे तो बहुत लोगों का नुकसान होगा। लोगों को उपयोगी पड़ने वाला व्यक्ति चार दीवारी में रहे, ये अच्छी बात नहीं। मैं कोशिश करूंगी चाचा जी। ठीक है बेटी, तुमने जो ये बात बोली मुझे अच्छी लगी। बेटी, तुम मुझे आप कहके नहीं पिताजी कहके बुला सकती हो, मुझे बहुत खुशी होगी। साहब जी, उठिए नाश्ता कर लीजिए। इन्हें तो बुखार है। हेलो हेलो डॉक्टर साहब, कृष्णा जी को बहुत बुखार है, आप जल्दी से आ जाइए। बाबा, कृष्णा जी को बुखार है, मैंने डॉक्टर को फोन कर दिया है, आप जल्दी लेकर आइए उन्हें। आइए डॉक्टर साहब, आइए आइए, बैठिए। देखिए खाने के लिए आ रहा हूं, तुम चलो। थैंक यू, तैयार होने पर बुलाती हूं। कृष्णा जी, कृष्णा जी, खाना तैयार हो गया है। बाबा, बाबा जल्दी आइए, खाना तैयार है। क्या? वो आ रहे हैं। रहे हैं, खाइए ना।
ये क्या समस्या है भाई? देखिए बाबा, दिन में जैसे सुबह शाम और रात होते हैं, जीवन में वैसे ही सुख दुख आते रहते हैं। वो सब भूलकर लाइफ को आगे बढ़ाना चाहिए। अब जो हो गया सो हो गया, अब सोचने से क्या फायदा है ना कृष्णा जी? ठीक है ठीक है, पढ़े लिखों को पढ़ा लिखा ही समझ पाता है, मैं क्या समझूं? हर एक इंसान को हमेशा खुश रहना चाहिए, अगर कुछ खो गया तो भी घर वालों को खुशी देनी चाहिए। आप किसकी बात कर रहे हैं? मैं ऐसे ही जनरल बोल रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल, उस दिन गांव वाले फंक्शन के लिए बुलाने आए थे, आपने तो तुरंत ना कह दिया, कितना बुरा लगा होगा उन्हें। अगर यही आप मंदिर में जाकर बैठते, उनसे बातें करते तो कितना अच्छा लगता उन्हें। नहीं बेटी, जब मन में ही श्रद्धा ना हो पूजा पाठ किस काम की? जब इंसान का दिल अच्छा ना हो तो उसे मंदिर जाना चाहिए, ऊपर से भगवान का कार्यक्रम है, मुझे जाना चाहिए ना? तो तुम जाओगे? क्या बाबा आदमी, आप ऐसे क्यों पूछ रहे हैं? आपको उनके साथ जाना चाहिए, आपके साथ मैं भी आऊंगी। आप जाएंगे ना जी? हाँ जाऊंगा। मामा जी उनको खबर कर दीजिए, हम कार्यक्रम के लिए आ रहे हैं। एक रिक्वेस्ट है, आप वहाँ पर ऐसे नहीं जाएंगे, वैसे जाएंगे। ये लड़की कौन है? बिल्कुल लक्ष्मी की तरह लगती है। सही कह रहे हो, कृष्णा जी का चेहरा भी अब खिला खिला लग रहा है। सही बात है। तो शादी कब की है? आज चंद्रा जी बीच में नहीं आते वो लड़का भी जान चुका होता, उसका टाइम अच्छा है। अरे क्या बकवास कर रहा है, भगवान जैसे साहब के साथ मालकिन का घटिया संबंध जोड़ रहा था, साहब जी कितने नाराज हो गए थे उसके ऊपर। कृष्णा जी भी मेम साहब की मर्जी के बिना कुछ नहीं करेंगे, अब इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं भाई? अरे बेचारी वो लड़की क्या करेगी, उसका तो बाप भी मर चुका है। अरे चुप भी करो भाई, बड़े लोगों के बीच में हम क्यों जाएं? अरे क्या बताऊं, पूरे गांव में उन्हीं की चर्चा चल रही है, जाकर सुन लो, किसको किसको रोक सकते हैं हम लोग। आपने सुना मामा जी, ये सब क्या बातें कर रहे हैं? वो लोग ऐसे ही बैठे, एक आदमी हो तो हम उसे रोक सकते हैं, हम किस किस का मुंह बंद करेंगे? कुछ तो करना पड़ेगा मामा जी, देर हुई तो झूठ भी सच बन जाएगा और उसके बाद जीवन बर्बाद हो जाएगा। इस समस्या का एक ही समाधान है बेटा, एक ही समाधान। क्या मामा जी, आप बताइए, आप जो कहेंगे मैं करूंगा। तुम्हें शिल्पा से शादी करनी होगी। मामा जी क्या बात कर रहे हैं आप, ये कैसे हो सकता है, आपने ये सोचा भी कैसे? क्यों क्यों नहीं हो सकता है, ये बताओ तुम्हें कमी क्या है? बस कीजिए, कोई भी इंसान एक बार ही पैदा होता है, एक बार ही मरता है, एक बार ही प्यार करता है और एक बार ही शादी करता है। मेरी लाइफ में प्यार और शादी रमा के साथ आए थे और रमा के साथ ही चले गए, बस। रमा तो तुम्हारा प्यार थी बेटा, लेकिन शिल्पा ने तुम्हारी सेवा की है, तुम उसे नहीं भुला सकते। यस, उस लड़की की शादी कराना मेरा फर्ज है और एक अच्छा सा लड़का देखकर उसकी शादी करवा देनी है। वो आने वाला लड़का तुम दोनों के संबंध के बारे में उसी तरह सोचेगा, वो जो भी सोचेगा घटिया ही सोचेगा। सभी लोग उस बदमाश की तरह होते हैं क्या? इंसानों में बुरे ही नहीं अच्छे लोग भी होते हैं मामा जी। अरे पगले, भगवान राम को भी सीता जी की अच्छाई के बारे में मालूम था, लेकिन उनको भी अग्नि परीक्षा देनी पड़ी, लेकिन जब किसी ने कुछ कह दिया तो भगवान राम ने सीता जी को वनवास भेज दिया, वो तो भगवान ने भी किया है, हम लोग तो सिर्फ इंसान है बेटा। ऐसा नहीं मामा जी, मुझे तुमसे ज्यादा तजुर्बा है, इसमें कोई बुराई नहीं है, तुम सोच समझ कर फैसला करना बेटे। सुनो मामा जी, क्या बात है बेटा? मामा जी सोच रहा हूं, उस दिन अमेरिका वाले लड़के से लड़की देखने के समय झगड़ा हुआ, गेट आउट करके भगा दिया, यही झगड़ा अगर शादी के बाद होता तो शिल्पा की लाइफ क्या होती? इसलिए मैं शादी के लिए तैयार हूं, लेकिन शादी का मतलब दो जीवनों का बंधन होता है, मेरा मकसद एकदम साफ है,
इसी तरह शिल्पा का भी कोई मकसद होगा, उससे जाकर पता कीजिए। ये क्या बोल रहे हैं बाबा? क्या वो उससे शादी करना चाहते हैं? हाँ बेटी, वह तुम्हारी इच्छा जानना चाहता है बेटी। कोई जल्दबाजी में निर्णय मत लेना, अच्छा बुरा सोच समझ लेना। आगे तुम पर भविष्य में कोई आंच ना आए बेटी, इसलिए कृष्णा जी ने ऐसा निर्णय लिया है। हाँ बेटी, तुम किसी और से शादी तो करोगी, वो तुम्हें खुश रखे तो अच्छा है। अगर उसने तुम्हारे साथ कुछ उल्टा व्यवहार किया तो तुम्हारे जीवन का क्या होगा? ये मैं नहीं कह रहा हूं, कृष्णा जी ने यह शादी करने से पहले मुझसे कहा था। मुझे पता है तुम दोनों का दिल टूटा हुआ है। इस टूटे हुए दिल का एक ही इलाज है, तुम्हारे जीवन में बदलाव लाएगी। ये शादी क्यों होती है किसी को नहीं मालूम, लेकिन ये शादी तुम्हारी अच्छाई के लिए होने वाली है। ये मेरा सोचना नहीं है, ये मेरा विश्वास है। मैं तुम्हारे ऊपर जोर नहीं डाल रहा हूं, तुम सोच समझ करके फैसला लेना। जी नहीं होते तो पता नहीं मैं कहां होती। वो मेरे साथ क्यों शादी करना चाहते हैं ये तो मुझे नहीं मालूम बाबा। उनका ये निर्णय मुझे मंजूर है, उनसे कह दीजिए बाबा। हेलो, कांग्रेचुलेशन भैया। थैंक्स, थैंक्स अ लॉट। शादी की डेट क्या है? इस महीने की 27 तारीख को, तब तक नहीं होगा तुमने कहा था ना? हाँ वो तो है। हाँ तो तुम कब आ रहे हो? भैया अगर मुझे मंत्र आता ना तो मैं यहाँ से गायब होकर आपके पास आ जाता। आप खुश है ना? तुम क्या करोगे मुझे नहीं मालूम, लेकिन शादी से 10 दिन पहले यहाँ होना चाहिए। हाँ और आते समय अपनी लैला को भी साथ में ले आना, अपने साथ साथ तुम्हारी भी शादी करवा दूंगा। हाँ आप चिंता मत कीजिए, मैं उसके साथ ही आऊंगा। ये आम आदमी की शादी नहीं है, कृष्णा जी की शादी है। ये 7 जन्मों का नहीं, जन्म जन्मांतर का बंधन है। शादी में आने वाले बारातियों को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। आपका हिसाब किताब मुझे मालूम है। हाँ साहब जी, हम अच्छी तरह से काम करेंगे। ठीक है ठीक है। अरे आप क्यों परेशान होते हैं, मैं हूँ ना। तुम तो शादी 1 घंटे में करा दोगे, यहाँ तो मुझे सबको संभालना है। चलो चलो। हाँ हाँ। क्यों रे विजय, तुम तो कल आने वाले थे, 2 बार कार एयरपोर्ट पे भेज चुका हूँ। अमेरिका की फ्लाइट लेट थी मामा जी। ऐसा क्या, अमेरिका की फ्लाइट भी अपनी चार मीनार एक्सप्रेस जैसी है क्या? अरे आपको क्या बताओ, उससे अच्छी अपनी चार मीनार एक्सप्रेस है। चलिए भैया को देखते हैं। सुपर लग रहे हैं साहब जी, बिल्कुल ज्यादा सुपर नहीं, सुप्रीम। अरे अरे गिरा गया क्या उसको, नीचे उतार नीचे उतार। तुम्हारी जर्नी कैसी रही? बढ़िया। हाँ और अमेरिका की बातें बताओ। वो सब बाद में, सबसे पहले मुझे उस लड़की को देखना है जिसने मेरे भैया का दिल चुराया है। ए मालकिन को बुलाओ। आपको कृष्णा जी ने बुलाया है। मेरा भाई विजय। अमेरिका में पढ़ रहा था, अभी अभी आया है। कैसी लगी तुम्हारी भाभी? लगता है तुम्हारे लिए ही जन्म लिया है। अरे जेल से लौटने के बाद मेरे साथ जो कुछ भी हुआ मैं उसे भुला नहीं पा रहा था। उस समय अगर शिल्पा मुझे नहीं मिली होती तो पता नहीं मेरा क्या हो जाता। मेरे अंधेरे जीवन में उजाला भरने के लिए भगवान ने शिल्पा को मेरे पास भेज दिया। भगवान अगर कुछ देता है तो कुछ ले भी लेता है। शिल्पा को पाकर मेरे नसीब खुल गए। अच्छा मेरी बात छोड़ो, ये बताओ तुम्हारी ग्रेटेस्ट गर्लफ्रेंड लैला कहाँ है? वो
फोन पर तो बड़ी बातें कर रहा था, सामने आकर शर्माता है? उसे तुम तुरंत यहाँ बुला लो, आज के आज मैं तुम दोनों लैला मजनू की यहीं पर शादी करवा देता हूँ। भाई आप जानते हैं मैं उस तरह का नहीं हूँ। मुझे तुम्हारा चरित्र नहीं चाहिए, ये बताओ इस समय मेरी बहू कहाँ है? काफी दिन से मेरी बात नहीं हुई है, मैं अमेरिका गया था ना, एक फ्रेंड को बोला है ढूंढने के लिए उसे। ठीक है ठीक है, नहा के तैयार हो जाओ, मिलकर नाश्ता करते हैं। जी ना, कोई टेंशन हुए ये शादी हो जानी चाहिए। भगवान हमें इन परिस्थितियों में मिलाएगा ऐसा मैंने सोचा ही नहीं था। असल में क्या हुआ जानना चाहिए। ये सब तो तुमने पूछा ही नहीं मुझसे, लेकिन फिर भी मैं बताना चाहती हूँ क्योंकि ये सारी बातें हम दोनों के भविष्य के लिए अच्छी हैं। अब इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है, जो हुआ अच्छा ही हुआ, ये मेरा अपना नसीब है। यहाँ इंसान के सोचने का कोई मतलब नहीं है, ये भगवान का बनाया हुआ संबंध है, इस पर हमारा कोई वश नहीं। God is great, all the best। हेलो, कौन है? कृष्णा जी घर पर है, मैं हैदराबाद से बोल रहा हूँ, मुझे कुछ अर्जेंट बात करनी है। हाँ बुलाता हूँ अभी। साहब आपके लिए हैदराबाद से फोन है। हैदराबाद से फोन आया है, कौन हो सकता है? हेलो कौन? सर मैं विजय का फ्रेंड चक्रम। तो तुम हो, विजय को बुलाऊं क्या? नहीं सर, मुझे आपसे ही बात करनी है। एक बार यहाँ आएंगे आप? कहाँ पर? गाँव के रेलवे स्टेशन पर। तो हैदराबाद से? वो मैंने झूठ बोला, आपसे अर्जेंट बात करनी है, मेहरबानी करके आइए, लेकिन विजय को मत बताइएगा। ये बात मैं अपने भाई को ना बताऊं? क्यों ना बताऊं? विजय के प्यार के बारे में कुछ बताना है, प्लीज एक बार आ जाइए। ठीक है मैं अभी आ रहा हूं। क्या रे क्या हुआ, विजय की लवर को कुछ हुआ है क्या? लवर को कुछ नहीं हुआ है, उसकी लव स्टोरी को हुआ है। क्या बात कर रहे हो तुम? हाँ सर, विजय ने उसकी प्रेमिका का पता लगाने के लिए मुझे कहा था, मैं सीधा उस लड़की के घर गया और पता चला गांव में नहीं है और वो पैसों के खातिर किसी और के साथ शादी करने जा रही है। तो विजय को इस बात का पता है क्या? मालूम पड़ने पर उसकी सांस रुक जाएगी, वो लड़की उसकी जान है, आप तो उसको करेक्ट से एक्सप्लेन कर सकते हैं, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ और आपको बुलाया हूँ। तुमने बहुत अच्छा किया चक्रम, हमारा विजय बहुत सेंटिमेंटल है, वो ये सब सहन नहीं कर सकता। पर उस लड़की ने विजय को आखिर धोखा क्यों दिया? पैसा ही सर पैसा, कोई तो पैसे वाला मिल गया होगा इसलिए बदल गई। छी छी, ये भी कैसी औरत है, चलो मेरे साथ। नहीं सर, विजय मुझे देखेगा तो वो बुरा मान जाएगा, मैं अभी चला जाता हूँ। ठीक है। अरे तुम दोनों के खाना छोड़ देने से कोई फायदा होने वाला नहीं है, चल के खाना खाओ, नहीं तो पर्सनालिटी डाउन हो जाएगी, चल करके खाना खाओ, चलो जल्दी से। अगर तुम्हारी तरह बनना है तो प्यार और शादी का टेंशन न लेके ब्रह्मचारी बन जाएंगे। चलिए खाना खा लीजिए। नहीं मैं बाद में खाऊंगा। आप नहीं खाएंगे तो मैं भी नहीं खाऊंगा, यही भावना शादी के बारे में भी दिखानी चाहिए। ऐसे घूर के क्या देख रहे हो, तुम्हारी लैला का एड्रेस मिला कि नहीं? मिल गया। क्या हुआ? वो शादी में आएगी। ओहो शादी में आएगी बोली थी या शादी करके आएगी बोली थी? भैया तुम क्या अपने भाई को बच्चा समझते हो, लैला के चक्कर में मजनू बनकर घूमते रह जाओगे, भलाई इसी में कि उसे भूल जाओ, अच्छा सा रिश्ता देखता हूँ उसे शादी कर लो। क्या हुआ बेटा क्या बात है? मेरे भाई को दुनियादारी की कोई जानकारी नहीं है और ये भोला भाला फंस गया है, एक लड़की ने इसके साथ दगाबाजी की है। भैया ऐसे मत बोलिए, उसके बारे में आपको नहीं मालूम। मुझे नहीं तुम्हें ही नहीं मालूम। कृष्णा ये सब क्या है, क्या कहना चाहते हो तुम? मेरे भाई ने कांटा देकर फूल समझा, नमक देकर कपूर समझा, अंधेरे में गुड़िया को देखकर भगवान समझा और उसके प्यार में धोखा खा गया। भैया अब वो किस परिस्थिति में होगी हमें क्या मालूम, ये तो हमें भी सोचना चाहिए। अरे सोचना क्या है, तुम्हारे अमेरिका जाने के बाद
तुम्हारे प्यार को समुद्र में डुबाकर किसी पैसे वाले के सामने सर झुकाकर मंगलसूत्र पहनने जा रही है तेरी लैला। एक के साथ प्यार, दूसरे के साथ शादी, एक के साथ घूमना और दूसरे के साथ संसार। छिछी, ये किसी लड़की का काम नहीं है, राक्षसी का काम है। आप कितना भी बोलो भैया, मेरी नजर में उसका प्यार सच्चा है, पवित्र है उसका प्यार। डेढ़ साल भैया। अरे अब ये झगड़ा क्यों बेटा? आपको नहीं मालूम मामा जी, वो प्यार करने वाली लड़की से धोखा देकर एड्रेस बदलकर दूसरे से शादी करने वाली है, ये बात इसके क्लोज फ्रेंड ने आके मुझे बताई मामा जी। वो लड़की कौन है, उसका नाम क्या है, कहां पर है, बताया क्या? क्यों, उसके साथ फिर से जाकर रिश्ता बनाएंगे? जिस लड़की ने ये भी नहीं सोचा कि इसके बाद उसका क्या होगा। शिल्पा, वो बहुत अपसेट हो गया है। दुनिया में सिर्फ नीच औरतें नहीं हैं, तुम्हारे जैसी देवियां भी होती हैं। उसे ये बात समझाओ प्लीज। मामा जी, आप जाकर उसको। हाँ हाँ। बेटी, उनके भाई को प्यार करके धोखा देने वाली एक राक्षस तो मैं ही हूँ। उनको भगवान जैसे मैं मिलने पर आनंद होने वाली कृष्णा जी का मैं भगवान नहीं राक्षस हूँ। अगर उनको पता चलेगा तो क्या होगा, यही बात सोचकर मुझे तो बहुत डर लग रहा है बाबा। ये सारा टेंशन लेने के बजाय अगर मेरे पिताजी के साथ मैं भी मर गई होती तो। चुप रहो बेटा, चुप रहो। अरे पगली, जीवन की कुंडली भगवान सबका लिख के रखता है, आगे हमें कुछ नहीं पता चलता, हमें कुछ नहीं दिखाई देता, इसलिए हर समय डर कर मर जाने के सिवाय हिम्मत से जीना अपना धर्म है। बेटी चुप हो जा बेटी। आज शादी है क्या? शादी तो कल है पागल, आज लड़की को हल्दी लगाएंगे। हाँ। हाँ, नमस्कार। हाँ जी, आप आइए ना, गांव में सब ठीक है ना? ए रामू, मांझी का सामान उठाकर अंदर कमरे में रखो। आइए ना, आइए। गरम पानी कर देना और नाश्ते की व्यवस्था कर देना। हाँ आइए आइए, कह रहे थे कि मेरी शादी से एक हफ्ते पहले आओगे, अब आ रहे हो, ये भी कोई बात हुई? सॉरी भैया, हमें मालूम नहीं था, विजय से हमें इस विषय में पता चला, हम तो ऐसे ही आए थे। आपकी शादी के बारे में सुन के हमें ताज्जुब लगा। क्या कह रहे हो, विजय ने तो सबके नाम पे कार्ड भेजा था। इनको कार्ड भी नहीं भेजा, ये कैसे आ गए? अगर इन्होंने शिल्पा को देख लिया तो झगड़ा हो जाएगा। पोस्टमैन का काम होगा। हाँ ठीक है, हाथ हो गए तुम लोग, मुझे खुशी है कि तुम लोग शादी में शामिल हो गए। अरे अरे, इन लोगों के रहने के तरीके गेस्ट हाउस में क्या हो, चलो चलो चलो। मामा जी ये क्या है, इतनी जल्दी क्यों कर रहे हैं, आराम से नाश्ता करके जाएंगे। नाश्ता करने से पहले भाभी जी को देखना है। ओके ओके। अरे अरे ऐसे नहीं, पहले गेस्ट हाउस में चलो नहा धो लो, फिर उसके बाद मिला जाएंगे। मामा जी आओ, तुम लोग अंदर आओ मेरे साथ। चलो 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 चलो। अब क्या होगा? काका जरा शिल्पा को बुलाइए। ठीक है मालिक, आओ बैठो। हाँ और बताओ कैसे हो मालकिन? साहब बुला रहे हैं। हाँ ठीक है ठीक है, हाँ कार स्टेशन पे भेज दूंगा। क्या कहा, हैदराबाद से निकल चुके हैं? हाँ हाँ कोई बात नहीं, हाँ ठीक है ना, मैं देख लूंगा यहाँ पर। अरे तुम लोग कब आए? तुम लोग आने वाले हो ये सोचकर मैं गेस्ट हाउस में वेट कर रहा था, तुम लोग यहाँ आ गए। तुम लोग यहाँ से चलो, तुम्हारी व्यवस्था वहीं पर है। चलो 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 चलो, जल्दी चलो। अरे जल्दी चलो ना। क्या कर रहे हो यार? अरे चलो यार। विजय, मैं तुम्हारा नाटक समझ गया हूँ। गेस्ट हाउस में इनके लिए स्पेशल अरेंजमेंट है ना? भैया वो ओके प्रोसीड। वही बताऊंगा, चलो वही बताऊंगा, चलो क्या कार में चलो चलो। सुनो, इनको गेस्ट हाउस छोड़ दो, ठीक है?
आप जैसे बड़े इंसान है तो मुझे क्या कमी है, है? आप ये समझिए कि शादी जैसे आपके ही घर में हो रही है, बाकी की तैयारी तो। भैया आपसे पर्सनल बात करनी है। क्या रे क्या हुआ, तुम इतने टेंशन में क्यों दिख रहे हो? मेरे फ्रेंड चक्रम के पापा को हार्ट अटैक आया है, वो हॉस्पिटल में भर्ती है, फोन आया था। अरे रे अब क्या होगा? मैं हॉस्पिटल जाकर उनको देखना चाहता हूँ, सुबह तक आ जाऊंगा। ये क्या है रे, हम दोनों की शादी एक साथ ही होगी ये सोचा था, ये नहीं हो पाया। लेकिन तुम मेरी शादी में भी नहीं रहोगे, ये नहीं हो सकता, तो मेरी शादी से पहले आ जाना। हाँ ठीक है भैया। मामा जी को ये सब पता ना चले, शादी से पहले आ जाना। हाँ। पैसे की जरूरत हो तो बता दो। जरूरत नहीं भैया, ठीक है। तो ठीक है। ये क्या विजय, तेरी प्रेमिका उनसे शादी कर रही है? सच में क्या तेरे भाई को तेरे प्यार के बारे में मालूम है क्या? असली बात क्या है बता तो, ये एक बहुत बड़ी कहानी है, बाद में बताऊंगा। तुम लोग मेहरबानी करके यहाँ से जाओ, तुम लोगों का शादी मेरा ना अच्छा नहीं है, कम ऑन हरिया। नहीं नहीं जाएंगे, ये सारी बातें तेरे भाई को बताकर तेरी और शिल्पा की शादी। मुंह बंद करो, मुझे और शिल्पा को लेकर बात किया तो मार डालूंगा। शिल्पा और तुझको हम क्या मिलाएंगे, तुम दोनों मिलके घूमे नहीं क्या? चुप रहो। वो झूठा प्यार किया था। किया सच्चा प्यार नहीं किया? क्या किया? किया किया, लेकिन तुम लोग जाओ यहाँ से, जाओ। क्या मैं बोलता हूँ, जाओ 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 यहाँ से। ये क्या है, ये सब क्या है बता? रास्कल, इसे यहाँ लेकर क्यों आए? तुम्हें प्रेसिडेंट करने के लिए। ये मुझे दो। नहीं नहीं दूंगा। ये दो। नहीं दूंगा। तुम मुझे। अरे मत देना। तुम मुझे नहीं सही। ऐसे क्यों चौंक रहे हो? तुम्हारी इज्जत बाजार में लाने के लिए ये एल्बम काफी है। आप लोगों को सब सामान मिल गया ना, अब आप लोग अच्छी तरह से काम करिए। ए ये देखिए, ये भी फोटो देखिए, छोटे भाई से प्यार करने वाली लड़की से ही कृष्णा जी शादी कर रहे हैं, गौर से देखिए। अरे अपने विजय जी कल गए थे, उन्हें क्या हो गया है? अरे तो मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ए, तुम लोग यहाँ क्या बातें कर रहे हो? कल से विजय बाबू नहीं दिख रहे हैं। नायडू और उसका भाई कल गांव में आया है, कल शाम को गेस्ट हाउस के पास उसके जीप और दो तीन आदमी भी दिखे हैं। उन लोगों ने तो विजय बाबू को। नायडू की इतनी हिम्मत, अपना विजय बाबू कम है क्या? विजय इस समय कहाँ होगा तुमसे ज्यादा मैं जानता हूँ, वो शादी के समय बराबर आ जाएगा। अब तुम लोग जाओ, एक मिनट सुनो, तुम लोग ऐसे शुभ मुहूर्त पर इस तरह की बातें नहीं करते। तुम लोग अपना अपना मुंह बंद रखो, कृष्णा जी को पता नहीं चलना चाहिए। सुनिए लड़की को लेकर आइए। बेटा पंडित जी बुला रहे हैं। कौन होते हो ये शादी रोकने वाले, इज्जत से बाहर चले जाओ। तुम्हारे कृष्णा को अंदर करके फिर मैं बाहर जाऊंगा। अगर हमारे कृष्णा बाबू के खिलाफ बोला तो हम तुम्हें काट कर रख देंगे। बैठ जाइए। क्यों आए हो तुम यहाँ, खुलकर बताओ तुम्हें क्या बोलना है? नायडू क्या बोलना है मुझे? तू छोटे भाई से प्यार करने वाली लड़की से शादी करने जा रहा है, तू उसे धोखा दे रहा है। किसने धोखा दिया है? बचपन से उसका जीवन नाश करने वाली तेरी बहन है,
तेरी बहन के पेट से पैदा होने वाले बच्चे को अपनी छाती से लगा करके परवरिश की है, ऐसे इंसान को तुम बदनाम कर रहे हो, ये भगवान के समान है। अगर तूने मेरे कृष्णा के खिलाफ एक भी गलत बात कही तो मैं नहीं पूरी जनता तुम्हें मिल करके मार डालेगी। जानवरों के जैसे मत चिल्लाओ। उस मंडप में बैठी हुई लड़की और इसके भाई के बीच में क्या संबंध है यह देखिए, अपनी आंखों से देखो। कॉलेज में पढ़ने तक वो लड़की और विजय आपस में प्यार करते थे। उन दोनों को अलग करने के लिए कृष्णा ने विजय को अमेरिका भेज दिया। विजय जब अमेरिका से वापस लौटा तो वो इस विषय को जान गया, इसलिए विजय को मारकर इस लड़की के गले में मंगलसूत्र बांधने जा रहा है। ये झूठ है। क्या सच है क्या गलत है अभी बताता हूँ मैं। ले आओ। मेरे भाई की जगह पर अपने भाई को देखकर शौक लगा क्या? ए नायडू, मेरे पिताजी को तुमने मारा और तुम्हारे उस पाप की सजा मैंने भुगती। जिसे मैं प्यार करता था उस लड़की को मेरे हाथों से मरवाकर मुझे जेल भिजवाया, वो सजा भी मैंने भुगती। अब मेरे भाई को मरवाकर उसके खून के इल्जाम में तुम मुझे जेल भिजवाना चाहते हो। कितनी बार झूठ को सच बनाओगे, कितनी बार अन्याय को जताते रहोगे। 100 गलती करने वाले शिशुपाल को जिस तरह भगवान कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका वध करके खत्म किया था, उसी तरह तुम्हारे अत्याचार खत्म करने का चांस भगवान ने आज मुझे दिया है। इसीलिए मेरा भाई आज तुम्हारे हाथों से बच गया। शादी के ठीक पहले ही जब मेरा भाई अपने फ्रेंड्स को लेकर सिटी जा रहा था, ठीक उसी समय तुम यहाँ आए। लेकिन उससे पहले ही चक्रम के पिताजी को हार्ट अटैक आने का समाचार आया। हेलो, हाँ मैं विजय का ब्रदर कृष्णा बोल रहा हूँ। चक्री है क्या? नहीं है। हमारे गाँव कौन बात कर रहा है? चक्री का पिताजी। सर आपका स्वास्थ्य कैसा है? बहुत अच्छी है। क्यों, क्या प्रॉब्लम है? Yes, problem. सर, मेरे दोस्त लोग आए, वो कहाँ है? ए छोटा भाई, सुबह शादी के समय तुम इस सिटी में जाकर पुलिस को लेकर आओ। ये एल्बम और ये विजय की बॉडी को उस शादी में कैसे पेश करना ये मुझे मालूम है। इधर आओ। अरे इसे पेटी में डाल दो। ए, पेटी में ताला लगाकर तुम बाहर बैठो, मैं पुलिस को लेकर आता हूं। विजय, छोटे भैया, आप यहाँ पर? शादी हो गई क्या? होगी, उसकी शादी होगी और सही समय पर ही होगी। लेकिन मंगलसूत्र मैं नहीं पहनाऊंगा, तुम पहनाओगे। भैया, अरे तुम्हारे लिए जान देने वाला बच्चा क्या तुम्हें इतनी छोटी सी खुशी भी नहीं दे सकता? वो नहीं भैया। नहीं, अब कुछ मत बोलो, मुझे सब पता चल गया है। शिल्पा और मैं प्यार नहीं करते, लेकिन परिस्थिति हमें इस मोड़ पर ले आई है। लेकिन रिश्ते जमीन पर नहीं बनते, ऊपर से बनकर आते हैं, इसलिए ये सब हुआ है। चलो, वैसे मेरे भाई को बचाने के बाद तुम्हारी सच्चाई को सबके सामने रखने के लिए ही अब तक चुप रहा हूं। तुम्हारे जैसा कोई एक आदमी तो क्या, लाखों करोड़ों भी आ जाए तो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मेरे जीते जी इस घर का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। मनुष्य को डांट कर रास्ते पर ला सकते हैं, पशु को मार कर रास्ते पर ला सकते हैं, लेकिन डांट कर या मार कर तुम्हारे जैसे को लाइन पर नहीं ला सकते। जाओ यहां से, जाओ, आओ मेरे साथ। ए, मार के बाहर निकालो लोगों को।
बेटा कृष्णा। कैसा है? बहुत अच्छी है। क्यों, क्या प्रॉब्लम है? यस, प्रॉब्लम। सर, मेरे दोस्त लोग आए, वो कहाँ है? ए छोटा भाई, सुबह शादी के समय तुम सिटी में जाकर पुलिस को लेकर आओ। ये एल्बम और ये विजय की बॉडी को उस शादी में कैसे पेश करना, ये मुझे मालूम है। इधर आओ। अरे इसे पेटी में डाल दो। ए, पेटी में ताला लगाकर तुम बाहर बैठो, मैं पुलिस को लेकर आता हूं। विजय, 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 छोटे, विजय, विजय, छोटे, भैया, आप यहाँ पर? शादी, शादी हो गई क्या? होगी, उसकी शादी होगी और सही समय पर ही होगी, लेकिन मंगलसूत्र मैं नहीं पहनाऊंगा, तुम पहनाओगे। भैया, अरे, तुम्हारे लिए चांद देने वाला बच्चा, क्या तुम्हें इतनी छोटी सी खुशी भी नहीं दे सकता? वो नहीं भैया। नहीं, अब कुछ मत बोलो, मुझे सब पता चल गया है। शिल्पा और मैं प्यार नहीं करते, लेकिन परिस्थिति हमें इस मोड़ पर ले आई है। लेकिन रिश्ते जमीन पर नहीं बनते, ऊपर से बनकर आते हैं, इसलिए ये सब हुआ है। चलो, वैसे मेरे भाई को बचाने के बाद तुम्हारी सच्चाई को सबके सामने रखने के लिए ही अब तक चुप रहा हूं। तुम्हारे जैसा कोई एक आदमी तो क्या, लाखों करोड़ों भी आ जाए तो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मेरे जीते जी इस घर का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। मनुष्य को डांट कर रास्ते पर ला सकते हैं, पशु को मार कर रास्ते पर ला सकते हैं, लेकिन डांट कर या मार कर तुम्हारे जैसे को लाइन पर नहीं ला सकते। जाओ यहां से, जाओ, आओ मेरे साथ। हे, मार के बाहर निकालो लोगों को। कृष्णा,
कुल्हाड़ी मुझे दे दो, मैं जेल जाऊंगा। तुम्हारे जैसे अच्छे इंसान इस गांव में रहने चाहिए। ये कुल्हाड़ी मुझे दो। ये कुल्हाड़ी मुझे दे दो भैया, मुझे आपका कर्ज उतारना है। नहीं, तुम और शिल्पा 100 साल तक जियोगे, मेरे बाद इस गांव को तुम ही दोनों को संभालना है। साहब, आपकी जगह पे मैं जेल जाऊंगा। मेरे लिए कोई कुर्बानी नहीं देगा। रक्त से लिखा चरित्र है मेरा, इसका दाग किसी और पर लगे ये मुझे पसंद नहीं। मुझसे शुरू हुई कहानी मुझ पर ही खत्म होनी चाहिए, यही न्याय है। मैं जिंदगी में पहली बार भय से जेल गया था और दूसरी बार दुख से जेल गया था, लेकिन अब गर्व से जेल जाना चाहता हूँ, अन्याय के लिए जेल जाना चाहता हूँ। मेरे जीवन के साथ, गांव वालों के साथ अन्याय करने वाले का जीवन समाप्त हो चुका है, इस खुशी के साथ जेल जा रहा हूँ। अब आप लोग खुशी खुशी अपने घर जाइए। विनाशाय चतुष्कृता धर्म संस्थापनार्थाय संभव